नमस्ते साहब। हाँ नमस्ते नमस्ते। देसी साहब हैं क्या? क्यों, क्या बात है? एक बहुत जरूरी बात है, उन्हीं से बात करनी है। क्यों, हमसे नहीं बता सकता क्या? इंस्पेक्टर सर, कोई खास बात है जो एसी साहब से ही बताएगा? जरा पूछ के देखिए तो। साहब मुझे असिस्टेंट कमिश्नर से मिलना है साहब। किस लिए? नहीं उन्हीं से बात करनी है। वैसे आप कहें तो मैं एक बात बताता हूँ, आप FIR में दर्ज करके मुझे अंदर कर दीजिए। ये क्या, एसी से मिलना है, डीसी से मिलना है, FIR करना है, ऐसा क्या किया तूने? मैंने खून किया है। क्या कहा, खून किया? हाँ साहब। ए श्रीवास्तव सर, वो बाहर गए हैं। बाहर गए? हाँ सर। इस आदमी से स्टेटमेंट लिखवा के FIR दर्ज करो। जी साहब। सर खून कैसे किया पूरा डिटेल में लिखाओ। ए लिखना। इन हाथों ने हमेशा चाकू पकड़ा है, कलम नहीं। अंगूठा छाप है। हाँ। इसने तो चाकू चूई चला रहा है, राजकल कहीं का। तुम बैठो, तू बोल। इधर आओ। जैसा बोले वैसा ही लिखो। तेरा नाम? अर्जुन। तू कहाँ रहता है? भागलपुर। बाप का नाम? नहीं कोई नहीं है, मेरे सब कुछ मेरे भैया ही थे, बहुत अच्छे आदमी थे, मैं भी उनका विश्वासी था, ऐसा लिख दीजिए। पर कुछ दिनों से उनका विवाह ठीक नहीं था। नहीं भैया ऐसा बाप मत कीजिए, मैंने कहा, मेरी बात न मानकर मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मार दिया। इस पिस्तौल में 5 बुलेट थे, 2 मेरे हाथ में, 3 उनके बदन में गई। ला। नहीं 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 छूना नहीं, क्योंकि इस पर मेरे उंगलियों के निशान होंगे। मैं यहाँ रख देता हूँ, आप इसे अपने रिकॉर्ड में लिख दीजिए सर। ऐसे सब आ गए। नमस्ते साहब। हाँ हाँ नमस्ते। ये पिस्तौल कैसी, ये कौन है? साहब मैं एक अभागा कातिल हूँ, कल रात 8 बजे महाराजा गेस्ट हाउस में मैंने अपने भैया का खून कर दिया। जुर्म कबूल कर बयान लिखवा रहा हूँ, राइटर साहब बयान लिख रहे हैं। देवता समान भैया का मैंने खून कर दिया, मैं माफी के लायक नहीं हूँ साहब। है भैया 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 बोल रहा है, कौन है तेरा भैया? गृह मंत्री शंभुनाथ जी। मेरे भाई को मारकर मेरे पास बोल, कहाँ और कैसे उनको फोन किया? महाराजा गेस्ट हाउस में। उस गेस्ट हाउस में फोन करके पता करो मेरे भैया कैसे हैं। वहाँ का फोन काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि फोन लाइन काट के मेरा खून किया। तेरी तो क्या बोला, फोन कट करके खून किया। अरे भैया तो जिंदा है, तूने किसका खून किया? गृह मंत्री शंभुनाथ जी। ए तूने किसका खून किया? मुझसे नौटंकी कर रहा है। भैया भैया आपको कुछ हुआ तो नहीं? आईजी नमस्ते। आईडीसी तू यहीं खड़ा रहे, भैया के साथ अंदर आने के लायक तू नहीं है। भैया भैया आपको कुछ हुआ तो नहीं? आप तो ठीक है ना भैया? आईजी सर, इस एसी को क्या हो गया? मैं तो ऐसे ही सरप्राइज विजिट के लिए आया तो ये उल्लू पूरा पैकेट की तरह भाग रहा है। ये सब कहां से करे, इसकी छानबीन करेंगे? चुपचाप राजनीति में आ जा, मंत्री बना दूंगा। मंत्री मंत्री मुझे कुछ नहीं बनना है, इस आईजी को हटाकर मुझे आईजी बना दो। मंत्री का भाई हूं मैं, कितने दिन मैं ऐसे रहूंगा? उठो उठो। नमस्ते सर, ये कौन है भैया? जिसे तो मारने का दावा किया ये वही है। ओहो, पर ये तो जिंदा है। भैया मुझे बचा लीजिए, भैया मुझे बचा लीजिए, मुझे मार डालेंगे भैया। इसे क्यों इस तरह से पीटे हो? अभी अभी आकर बता रहा था साहब, सुबह 5 बजे मुझे यहाँ पूछताछ के लिए लेकर आए, मार मार के मेरा कचूमर बना है। किस लिए? कल रात महाराजा गेस्ट हाउस में मैंने आपका खून कर दिया, ऐसा बोलकर मुझसे बयान लिखवा रहे थे। अबे भैया ये झूठ बोल रहा है। मेरा आपसे क्या संबंध, मैंने आपको कभी देखा भी नहीं, मैं आपका खून क्यों करूंगा? भैया ऐसा नहीं है, ये झूठ बोल रहे भैया।
सिर्फ इतना ही नहीं, पिस्तौल मेरे हाथ में देखकर मेरी उंगलियों के निशान उस पर लगवा लिए। अबे ओए भैया, भैया ये झूठ बोल रहा है, मां कसम झूठ बोल रहा है। किस जगह पर फोन करने का स्टेटमेंट मांग रहा है? वो हाईवे वाला महाराजा गेस्ट हाउस वहाँ पर। ए, मुझे फंसा रहा है, मैं तेरा खून कर दूंगा, तेरा खून कर दूंगा मैं, मुझे फंसा रहा है। इस हरामजादे के सिवा किसी को भी नहीं मालूम कि मैं महाबलीपुरम गेस्ट हाउस में था। भैया इस तरह मत देखो, ये झूठ बोल रहा है, इसने कबूल किया ये आपका खून किया, एफआईआर दर्ज करने आया है। मैं क्यों कबूल करूं, मैं तो आपसे पहले कभी मिला भी नहीं, अगर ऐसा होता तो मैं अपने हाथ से बयान लिखता ना। सर इसने कहा है कि ये लिख नहीं सकता, इसलिए हमने लिखा है। ओहो, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ साहब, देखिए इसी स्टेटमेंट में मुझसे लिखवा के साइन मांग रहे थे साहब, आप पढ़ के देखिए। क्या है भैया? कहते हैं राजनीति और भाइयों का रिश्ता एक जैसा होता है, कब किसकी पीठ में छुरा मारेगा पता नहीं, तुमने साबित कर दिया है मुझे मारने की साजिश कर रहे हो? नहीं। अरे गेस्ट हाउस में ठहरा था सिर्फ तू ही जानता है, साथ पैदा हुए सोचकर तुझे एसी की नौकरी दिलाई, तू मेरे साथ नमक हरामी कर रहा है। ए जी, तुम क्या छक मार रहे थे डिपार्टमेंट में? एक एसी ने मंत्री को जान से मारने की कोशिश की है, तुम क्या कर रहे थे? जो भी हो वो आपका भाई है। भाई? ये मेरा भाई है, वैसे तो ये मेरा भाई है, कल अगर इसके मारना सही कर दस्तखत कर देता तो मैं कल ही मर गया होता, आज मेरा अंतिम संस्कार होता, मेरी जगह कोई दूसरा होता और तुम उसे सल्यूट कर रहे होते। फौरन इसे डिसमिस करो। ऑन द स्पॉट डिसमिस करना नामुमकिन है सर, आप कहे तो सस्पेंड करता हूं। जो भी करना है फौरन करो। उसके लिए आपके दस्तखत चाहिए सर। एक दस्तखत तो क्या, हजारों दस्तखत करूंगा, फौरन डिसमिस करो। यस सर। भैया जबान बंद कर। सर तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन। बहुत पीटा है ना, लो हॉस्पिटल खर्च के लिए रख लो। नहीं साहब, पैसे नहीं चाहिए, आप सलामत रहे काफी है। अर्जुन। नमस्ते साहब। वेल डन अर्जुन, मैं स्टेट का आईजी हूँ, वो आफ्टर ऑल एक असिस्टेंट कमिश्नर है राजकर, उसका भाई मंत्री है, इसी वजह से उसने हमारे नाक में दम करके रखा था, लेकिन तुमने उसी का जूता उसी के सर पे दे मारा, कमाल किया तुमने, ब्यूटीफुल आइडिया, कुछ भी काम हो गया ना। थैंक यू। हमारे वादे के मुताबिक नाटक सिर्फ मेरा ही था, बाकी रेट वगैरह सब बेबी का। बेबी कहा? बेबी सलाम साहब। सलाम। कैसी लगी इसकी एक्टिंग? इसने साबित कर दिया कि बेहतरीन अदाकार है। ये लो बेबी तुम्हारी फीस। ये क्या साहब? बेबी वो क्या है? क्यों बेबी, 50,000 का ही सौदा तय हुआ था ना, ठीक दिया ना? बात ये है साहब, आपने कहा था आप 9 बजे पुलिस स्टेशन में मंत्री जी को लेके आएंगे, इसलिए मैंने इसे आधा घंटे पहले भेज दिया था, लेकिन आप तो वहाँ पर 9:30 बजे आए, उस आधे घंटे में पुलिस वाले ने कितना पीट दिया, देखिए ना चोट कितना दर्द होगा ना। बड़े अफसरों से ऐसी बात नहीं करते, मुझे कोई दर्द नहीं है। चोट तुझे नहीं मुझे दिखाई दे रही है, ये देखिए ना चोट, एक्स्ट्रा मार दिया सर, थोड़ा एक्स्ट्रा दे दीजिए ना। काफी स्मार्ट हो। हेलो ठाकुर साहब, आपको खुश? आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है। साहब कोई ट्रांसफर डिसमिस वगैरह हो तो बोल देना। साहब आपको प्रमोशन चाहिए तो बोलिए सर, हमारा बंदा सीन क्रिएट कर देगा, अर्जुन की सीन तो सक्सेस ही सक्सेस है। शोक संदेश, आज प्रातःकाल निधन होने वाले श्री एस आर के की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। पोस्टर अच्छा प्रिंट हुआ है ना, यहाँ से लेकर अमेरिका तक बिजनेस कर रहा है, लेकिन किस्मत साले की हमारे हाथों खत्म हो गया है। अरे सुनो उसका सचमुच माना जाएगा का? सबकी डेट ऑफ बर्थ भगवान तय करते हैं, लेकिन डेट ऑफ डेथ तय करने वाले हमारे बॉस हैं। बस चले तो यमराज का भी स्वर्गवास कर देंगे, चल चल अपना काम कर।
ये भगदड़ किस लिए मची हुई है? दुकानें भी बंद कर रहे हैं, क्या हुआ पूछो? ए भाई, यहाँ क्या हो रहा है? तुमको नहीं मालूम कहा आज सुबह एसआरके का मर्डर हो गया, वही खातिर दुकान उकान बंद करा रहे हैं। निकलो यहाँ से जल्दी। साहब कह रहा है कि आज सुबह तड़के आपका खून हो गया है, आप मर चुके हैं, इसीलिए बाजार को बंद करने के लिए तोड़फोड़ कर रहे हैं। अरे ये क्या क्या हो रहा है इस शहर में? गाड़ी निकाल। आज प्रातः काल एसआरके जी का निधन हो गया, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अर्जुन मुर्गा रहा है। भैया प्रणाम। तुम सब फुटा 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 आगे। अरे फुटा जल्दी भैया, मेरे भगवान। बेबी उठो। उठाऊं भाभी। हाँ, बड़े चालाक नेता हो तुम, सबको बाहर निकाल के पैर पड़ रहे हो, कोई स्टेटस प्रॉब्लम है क्या? सबको यहाँ बुला के उन सबके सामने पाव पड़ता हूँ मैं। ए, विश्वनाथ है ना तू? हाँ भैया। तुझ पे विश्वास करके 1.5 लाख लोगों ने वोट डाले हैं, उनका नाम क्यों खराब करता है? काम की बात कर। राजनीति बाबा ने एक दुश्मन पैदा हो गया और उसकी वजह से हमारी जिंदगी तबाह हो गई है। क्या रेप कर दिया क्या? अरे ये बात नहीं, उस मंत्री शंभूनाथ को तबाह करके रखूंगा। तो कर दो। अरे आपको ही करना है। कौन वो गृह मंत्री? बिल्कुल सही कहा, गृह मंत्री तो हमें होना चाहिए ना। तुम गृह मंत्री? ठीक है आगे बोलो। पता है सीएम से उसने मेरी चुगली कर करके आज वो मंत्री बन गया है। एमएलए होते हुए अपने बिटवा के लिए एमबीबीएस की सीट नहीं दिला सका मैं, खुद को एमएलए बताते हुए शर्म आती है मुझे। मत बताओ। ओहो, वो करोड़ों रुपए कमाकर अपनी बिटिया की शादी कराने वाला और सीएम को भी न्योता दिया है, पता है आपको? सुनो काम की बात करो, क्या बात है? भैया आपके बारे और भाभी के बारे सारा शहर ही जानता है, आप दोनों के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। काम क्या है ये बताओ। आप कुछ भी करो लेकिन मंत्री शंभूनाथ को पद से हटा दो। फिर आपने भीख दी तो मैं मंत्री बन जाऊंगा ना। ठीक है बेबी, इसे हिसाब किताब की बात कर लो, मैं भी आता हूँ। मैटर अर्जेंट है या ऑर्डिनरी? फिर से कहिए। मैटर अर्जेंट है तो 10 दिन में काम हो जाएगा, मैटर ऑर्डिनरी है तो 10 महीने लग सकते हैं। अरे अरे भाभी, मैटर वेरी अर्जेंट है, उसे पद से हटाइए और मुझे पद पे बिठाइए। रेट कुछ ज्यादा होगा मंजूर, चाहे कितने भी खर्चा हो परवाह नहीं, सूटकेस में 1 करोड़ रुपया है, ये रहा एडवांस, और पद संभालते ही पूरा सेटलमेंट कर दूंगा। उस मंत्री की लड़की की शादी कब है? अगले हफ्ते बुधवार को। सब चल चुके हैं, सिक्योरिटी जल्दी अलर्ट करो, जल्द ही पहुंच रहे हैं, किसी तरह की कुताही ना हो, जल्दी जल्दी करो, जाओ। अरे वाह, आइए विश्वनाथ जी, बोले थे नहीं आऊंगा, आ गए। अरे दबाओ मत, पहले से ही दबा के रखियो तुम। शादी के मंडप पे भी सियासत? हमारे बिना तो सियासत है नहीं। खिल्ली उड़ा रहे हो, शादी के बाद खाना खा के जाना, समझे? आइए आइए। खा के ही जाऊंगा।
आइए मालिक, आपकी तारीफ। मैं भागलपुर का एमएलए हूँ। आपका नाम? विनय कुमार। और ये है विमला देवी, मेरी कार्यकर्ता। नमस्ते, चलिए चलिए। नमस्ते बहन जी। अर्जुन काम हो जाएगा ना? जल्दबाजी मत करो बेबी। नमस्ते 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 नमस्ते। आइए आइए आइए। क्या है सर? सीएम आ गए। सबको अलर्ट कर दो। ए कैमरा वाले इधर आना, जल्दी आ। ए माला इधर ला जल्दी। ये फॉर्मेलिटी किस लिए? ए स्टिल लेना। ए तू भी लेना। आइए अंदर चलते। ए माला ले। मुख्यमंत्री जी की, हमारे मुख्यमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की, हमारे मुख्यमंत्री जी की। अरे शंभुनाथ, अच्छा शुभ मुहूर्त निकाले। आपका आना ही शुभ मुहूर्त है। सही फरमाया तुमने। आइए आइए। नमस्ते। क्या शंभुनाथ, ये शादी का माहौल है या सियासत का माहौल? शंभुनाथ, हमारे पार्टी के सभी लोगों को तुमने बुलाया है। तुम्हें एक खुशखबरी सुनाऊं? हाँ सुनाइए ना। बेबी। शंभुनाथ, मैं तुम्हें एक बड़ा मंत्रालय देने वाला हूँ। सब आपकी मेहरबानी। शंभुनाथ, गुड, बड़ी रंग बिरंगी महफिल सजाए हो। यह सब आपकी दया है, मेरे बेटे की जिंदगी की शुरुआत है। आप आशीर्वाद दीजिए। मुख्यमंत्री जी की, हमारे मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की, हमारे मुख्यमंत्री जी, आने वाले कल के मुख्यमंत्री शंभुनाथ जी की, आने वाले कल के मुख्यमंत्री शंभुनाथ जी की, आने वाले कल के मुख्यमंत्री शंभुनाथ जी की, कल के मुख्यमंत्री शंभुनाथ जी की, कल के मुख्यमंत्री शंभुनाथ जी की, हमारे पार्टी के गृह मंत्री शंभुनाथ जी की, हमारे मुखिया शंभुनाथ जी की, मुख्यमंत्री की, पार्टी के मुखिया शंभुनाथ जी की, आने वाले कल के मुख्यमंत्री शंभुनाथ जी की, आज के गृह मंत्री, भविष्य के प्रधानमंत्री, भविष्य के प्रधानमंत्री शंभुनाथ जी की। चुप करो चुप करो। कल के मुख्यमंत्री हमारे शंभुनाथ जी की, कल के मुख्यमंत्री हमारे शंभुनाथ जी की, हमारे पार्टी के मुखिया शंभुनाथ जी की, हमारे पार्टी के मुखिया शंभुनाथ जी की, कल के मुख्यमंत्री शंभुनाथ जी की, हमारे पार्टी के मुखिया शंभुनाथ जी की। आप जैसा समझ रहे शंभुनाथ, तुम कल के मुख्यमंत्री हो तो मैं क्या हूँ? कल के तुम मुख्यमंत्री हो तो शपथ कब ले रहे हो? कल के प्रधानमंत्री हो, सारे इंडिया पे कब्जा कर लिया। आप जैसा समझे। ए, सुनो, आते वक्त मैंने तुमसे कहा था ना कि ये शुभ मुहूर्त है, राज्य के गृह मंत्री शंभुनाथ की पुत्री। इस तरह जलील करने के लिए तुमने मुझे यहाँ शादी में बुलाया था। लौट गए। किसने नारा लगाए बताओ, किसने नारा लगाए? कल का मुख्यमंत्री बोला था मैं, कल का प्रधानमंत्री किसने कहा? किसने? नहीं जानता साहब। नहीं जानता तो क्या उखाड़ रहा था? जीते जी मेरी चिता जला दी, पार्टी की मेंबरशिप भी जाती रही। साहब जी, ये शादी की सीढ़ी है। शादी की सीढ़ी नहीं, अर्थी की सीढ़ी है। We'll be right back.
कौन है ये? आने वाले कल के मुख्यमंत्री शंभुनाथ जी की, कल के मुख्यमंत्री शंभुनाथ जी की, आने वाले कल के मुख्यमंत्री शंभुनाथ जी की, कल के मुख्यमंत्री शंभुनाथ जी की। नारे लगाकर मुझे तबाह कर दिया सालों ने। आ भाई तुम कब आए? कौन, मैं तुम्हारा भाई? नहीं, मैं तो तुम्हारा जाने दुश्मन। उस दिन सेशन में कितना समझाया था, वो जंगली है, जानवर है, लोफर है, दगाबाज है, ड्रामा कर रहा है, तुमने नहीं माना, सस्पेंड किया, डिसमिस किया। अब तुम्हारी वट लगा दी ना, अब तुम जानो। मेंबरशिप गई, पदवी गई, मर्यादा गई, इन सब के जाने का कारण है वो, अब उसे जाना चाहिए। सुबह होने से पहले उसकी अर्थी उठनी चाहिए। भाई साहब, उन सब भाई साहब को क्यों भगा रहे हैं? क्या चक्कर है, समझ नहीं आ रहा। चक्कर नहीं, टक्कर है। समझ में आया क्यों भगा रहा था वो?
मुझे माफ कर दीजिए साहब, मैं और दोबारा नहीं करूंगा, ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। माफ कर दूं? अंदर बैठा। तुम्हें मुझे मारने के लिए किसने भेजा था? एक आदमी ने मुझे 50,000 रुपया दिया था आपको मारने के लिए साहब जी। उस कमीने ने? हाँ जी। जो पैसे मिले थे निकाल। निकाल। अबे निकाल। निकाल। मैं तो मार दूंगा। साहब जी माफ कर देना मुझे। साला अच्छा चुंदर की औलाद। बहुत खूब। ऐसे ही कहा भैया, अर्जुन का कुछ ना कुछ करना ही होगा। उसने नारेबाजी ऐसे ही नहीं की, उसके पीछे जरूर किसी की चाल रही होगी। उसे पता करके आप उसका काम तमाम कर दीजिए। आप सोच क्या रहे हैं? क्यों आए हो? मैंने उसकी लाश लाने को कहा था, मुंह लटका कर खाली हाथ आए हो? भैया मेरी बात का बुरा नहीं मानना, अर्जुन कोई मामूली इंसान नहीं है। उसे छूने का मतलब जैसे मौत से मुकाबला करना है। उसका एक ही इलाज है, पशुपति दादा। कौन? वही नामी गुंडा पशुपति? हाँ। रुकिए रुकिए। ये किसे चेक कर रहा है? मंत्री है। मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ, समझे? आप जाइए, तुम रुको। ए, चल फट। धोती खोल दूं क्या? पूरी तरह से चेकअप कर लो। आ गए मंत्री। स्वर्गीय कह के बुलाना। हमने क्या सुना मंत्री, तुम्हारे घर में शहनाई क्या बजी? तुम्हारा तो शंखी बज गया। मजाक कर रहे हो? मिलने आया तो खिल्ली उड़ा दे। टेंशन मत ले, बैठ जा। टेंशन नहीं लूंगा तो क्या करूंगा? 25 साल से राजनीति कर रहा हूँ। एक गुंडा साला नाटक करके मेरे साथ ही पॉलिटिक्स करके मुझे ही कुर्सी से उतार फेंका। सुन, वो साला अर्जुन जिंदा ना बचे, उसे खत्म कर दे। उस अर्जुन के लिए तुम दुर्योधन क्यों बन रहे हो? कौन है वो अर्जुन? तुम्हारे विपक्षी दल का है? नहीं ना। तुम्हारा प्रतिद्वंदी है क्या? अरे नहीं ना। फिर क्यों महाभारत छेड़ने पर तुले हुए हो? तुम्हारी उससे दोस्ती नहीं, दुश्मनी नहीं, फिर उसने तुम्हारा पत्ता कट क्यों किया? बताओ शंभुनाथ, वो अर्जुन ना मेरा है ना तेरा है, सिर्फ पैसों का है। हमारी उससे कोई दुश्मनी नहीं, इसके पीछे किसी का हाथ जरूर है। अबे सुन, क्या चाहिए? अर्जुन घर पे है क्या? अर्जुन, मैं उसकी परछाई हूँ, मैं ही उसका नाम नहीं लेता, तू उसका नाम लेता है। कसाई जैसी लुंगी, गुंडे जैसी बनियान, भंगी जैसी शक्ल, खुद को ओसामा बिन लादेन समझता है। तुझे ईरान से अफगानिस्तान तक दौड़ा दौड़ा के मारूंगा रास्केल। कौन है बेटू? बहुत बोल रहा है, मारूंगा एक झाप पर तो झड़ जाएगा, समझ ले दान। अबे एक लात मारूंगा ना पंचर हो जाएगा। बाघ का शिकार करके नखों से शतरंज खेलने वाले हैं हम। एक कदम आगे रखना तो सारी आंतरियां बाहर आ जाएंगी। सुन शुशु, मैं भी दादा हूँ, तू भी दादा है। इसके जैसे आदमी ही मुझे दादा कहता है, इसका मतलब मैं दादा दिखता हूँ। इसको ऐसे ही मेंटेन करना पड़ेगा। क्या सोच रहे हो? हम दोनों भाई भाई हो गए ना, थोड़ा कोऑपरेट करो। यहाँ कोऑपरेशन भी नहीं है, ऑपरेशन भी नहीं है, सीधे पोस्टमार्टम। सुन शुशु, मैं तेरे से झगड़ा करने नहीं आया। करके देख। काय बात बढ़ा रहा है यार, काट के फेंकने के लिए। क्यों उल्टी बात कर रहा है भाई? तू सीधी बात कर, थोड़ा शांत हो जाना। नहीं हो सकता, इंसान हो तो इंसानियत होनी चाहिए। वो मेरे पास नहीं है। सीने पे चढ़ के नहीं, नहीं मारूंगा। मेरी बात मान? नहीं मानूंगा। शुशु, वही तो मेरा नाम है। भाई तेरे पैर पड़ता हूँ, अर्जुन से जरूरी बात करनी है, जरा अंदर छोड़ेगा क्या? बोल भाई, जाने दे। भिखारी की तरह हाथ क्यों फैलाए? बात करते करते पंक्चर हो गया। अबे अंदर छोड़ना। अबे जा। ये घोड़े की तरह आवाज क्यों कर रहा है? तो अपन को हिस्सा मिलेगा साहब। नमस्ते साहब, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, इसलिए बॉस ने आपको बुलाया है साहब। बॉस? बेवकूफ, कौन है वो, नाम तो बता। पशुपति साहब। वो पशुपति कलेक्टर है या प्राइम मिनिस्टर? जब मैं जाकर उससे मिलूं, वो भी तो सड़क छाप गुंडा ही है। क्या है वो? सड़क छाप गुंडा।
मुझसे मिलना है तो उसे यहाँ आना पड़ेगा। पशुपति दादा भी आपकी तरह बड़े आदमी है। हाँ, इतनी देर तुझे खड़ा होके बोले देना गलत है। घुटनों पे खड़े हो जा। घुटनों के बल खड़े हो जा। घुटनों के बल ना। हाँ, इस तरह अच्छे बच्चों की तरह बात मानना शोभा देता है। मेरी बहुत बेइज्जती कर रहे हो, पीछे आपको बहुत तकलीफ होगी। सही सलामत जाएगा, ये डेड बॉडी बन के जाएगा। ये किस लिए दीदी है? अगर आप कहोगी तो घुटनों के बल क्या गुलाटी मारूंगा। बेबी, तुम्हें दीदी बोल रहा है। मुझे दीदी बोलता है? मेरा कलर देख और तेरा कलर देख। कौवा कहीं का? कौवा कहीं का नहीं है, कौवा तो यही का है। अबे ऐसे घुटनों पे ही चल के पशुपति के घर जाना। क्या वो मुड़ जा, कहीं बीच में खड़ा हुआ तो बुलडोजर आ जाएगा। शंभुनाथ, मेरी पॉलिसी ये है कि अगर मेरे साथ चला तो सीने से लगा के हार पहनाता हूँ, और अगर मुझसे टकराया तो उसकी तस्वीर को हार पहना के श्रद्धांजलि देता हूँ। ओए, ये क्या घुटने के बल चल रहा? तो अर्जुन ने मेरी ये हालत बना दी उस्ताद, उसने आपको वहाँ आने के लिए बोला है। ए, एक हार का इंतजाम कर। शमशान घाट लेके आ गए हो? बगल में शमशान घाट ही तो है। साला अपना टाइम ही खराब है। साला मंत्री क्या बन गया पता नहीं, और कहां कहां जाना पड़ेगा। चल चल। शुशु। नमस्ते शुशु, अर्जुन साहब से मिलना है, मिल सकता हूँ? अरे शुशु, ऐसे क्या देख रहे हो? मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, इन सब के पीछे तुम्हारा ही दिमाग है। तुम्हारी मर्जी हो तो अंदर जा पाऊँ, वरना तुम्हारी मर्जी से इसकी तरफ छोटा हो जाऊंगा मैं। आज्ञा हो तो अंदर जा सकता हूँ मैं? बहुत झुक रहे हो, कौन हो तुम? पशुपति। पशुपति क्यों घबरा गए? घबराहट? अंदर अर्जुन है, घबराहट खुद घबरा के भाग जाएगी, जान लो। निहत्त आया हूँ। हथियार लाते तो भी बेस्ट था। विश्वासी लगते हो, खुश रहो। क्यों नहीं रहा तो क्या उखाड़ लोगे? मैंने ऐसे ही बोला यार। क्यों पैसे देके बोलना? क्यों हर बात का उल्टा जवाब दे रहे हो? उल्टा जो पैदा हुआ हूँ मुक्केबाजी करे? छोटे भाई। छोटे भाई मेरी माँ के बेटे हो या मेरे बाप के रखेल के बेटे? मेरी बेइज्जती क्यों कराए? मैं एक्स मिनिस्टर हूँ। अब तक कितना लूट चुके हो? क्यों नहीं बोलोगे? हाँ, कोयले की दलाली करो तो हाथ काला होता है। यहाँ कोयला कौन है, दलाल कौन है? कोयला यही है, तू जा। नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम पशुपति। काम की बात करो। कोई खास बात नहीं अर्जुन, तुम्हारे बारे काफी सुना है मैंने। मैं हाथ से जीतता हूँ तो तुम दिमाग से जीतते हो। मैटर क्या है बोलो। उम्र में काफी छोटे हो लेकिन धंधे में बराबर के हो, ये सुनकर काफी खुशी हुई। तुमसे मिलने की काफी तमन्ना थी, बुलावा भी भेजा, लेकिन तुमने मुझे आने के लिए कहा, लो मैं आ गया। मेरे अंदर ईगो वगैरह नहीं है। बैठिए शंभुनाथ जी। लाबे। किस लिए? तुम्हारे सम्मान के लिए। सम्मान उमान छोड़िए, काम की बात करो। अरे पूछू भी तो क्या पूछूं, एक छोटी सी जानकारी चाहिए। इसकी कुर्सी छीन ली गई, लेकिन क्यों छीनी ये सब नहीं पूछूंगा मैं, वो तुम्हारा धंधा है, लेकिन इसके पीछे किसका हाथ है वो बता दो बस। सुनो, किसी को पोस्ट चाहिए, या किसी की पोस्ट खाली करवानी है, या किसी का पोस्ट मॉर्टम करवाना है, बोलो मैं करूंगा। ये सब छोड़कर मैं कहां कब किसका काम करूंगा ये जानने की कोई जरूरत नहीं, ये मेरे धंधे का उसूल है, और भी बहुत कुछ है। सुनो अर्जुन,
तुम्हारे पास मदद मांगने के लिए पशुपति इतना निकम्मा नहीं है। किसी और से पैसे लेकर तुमने मेरी कुर्सी के ही पैर काटे। अर्जुन, तुम्हें जितने पैसे चाहिए बोलो, मैं देता हूँ, लेकिन वो कौन है बता दो। मैं हूँ, क्या करोगे? चमचे मुंह बंद रख, तुझे बड़े लोगों से बात करने की तमीज नहीं है। हाँ जानता हूँ, तुम तो बड़ी टोप हो। पता चल गया ना, अर्जुन ने एक नारा क्या लगाया, तुम्हारे मंत्री की कुर्सी तुम्हारे नीचे से निकल गई। अरे वो तो बताएगा नहीं, फिर यहाँ से जाना ना। ए, क्या है? क्या अपनी जगह है बोल के फुदक रहा है? पैजामे में रहे? ए, हम पैजामा नहीं पहनते, सीधा कफन पहनाते। बोल क्या इरादा है तेरा? ए, जब से मैं यहाँ आया हूँ देख रहा हूँ तू बहुत जबान चला रहा है, अगर आगे कुछ बोला तो समझ ले। बोलूंगा तो क्या करेगा? अबे अर्जुन के टुकड़ों पे पलने वाले कुत्ते मेरे से जबान चलाते। अर्जुन, अरे अर्जुन, मेरे सामने मेरे आदमी का पेट रहा तुम। ये मेरी जगह है, इसके यहाँ से जिंदा जा रहे हो। यही कहीं और होता तो तुम्हारी लाश पड़ी होती। मेरे ही सामने मेरे शूशु पर हाथ उठाया। अब कुछ मत बोलना, भाग जा। भाग जा सर। पल भर में आदमी का भुर्ता बना दिया, यही सोच रहे हो? यहाँ ऐसा ही होता है, तुम भी चलते बनो वरना चोरन बन जाओगे। अबे जाना। अबे ओए कफन, कफन ठीक है, कभी काम आएगा। रोना नहीं, वो इतना खराब आदमी है। बेबी जल्दी आओ। देखो हिम्मत से काम लो, रोना नहीं, मैं अभी आई। ए, क्या हुआ? एक पागल लड़की 10 साल से प्यार कर रही है, जब शादी की बात आई ना तो लड़का हट रहा है। लड़की बसुरत होगी। अरे तू भी, वो लड़की सानिया मिर्जा जैसी सुंदर है। लड़का कैसा है? तेरे जैसा, बहुत भाव खाता है। तो कह दो उसे छोड़ कर किसी और को ढूंढ ले। तूने तो कह दिया, लेकिन लड़की खराब हो गई ना। कब? नहीं नहीं नहीं, मन खराब हो गया, तन खराब नहीं हुआ बोल के दुखी है। कैसे भी मिलाने के लिए पानी पानी हो रही है। आंसुओं को छोड़ो, करेंसी हो तो बोलो, काम बना दूंगा। तो मैटर सेटल करने का वादा करो, तो लड़की तैयार बैठी है, लेकिन वो लड़का बड़ा चालू है। वो है कौन पहले ये बताओ, दो हाथ मारूंगा सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, धमकाओगे तो मंगलसूत्र बांध देगा, लेकिन बाकी फॉर्मेलिटीज सुहागरात हनीमून वगैरह। जो मारो से लगेगी उससे 10 दिन तक वो बिजी रहेगा। 10 दिन तक बिजी हो जाएगा, उसके बाद? उसके बाद आदत बन जाएगी। वो टिकट कहाँ है? ओए माल किसे कहता है, वहाँ खड़ी है, जाके मिल लो। कहाँ है वो लड़की? हाँ क्या, तो लड़का ही दिखाई दे रहा है। लड़की एकदम फ्रॉड लगती है। लड़का देखो, देखने में कितना हैंडसम और शरीफ लगता है। हाँ। इतने भोले भाले लड़के को किसी डायन के हाथ में सौंपना चाहती है, कहाँ का नहीं है। डायन कौन? यहाँ देखो, यही है डायन। कौन जाएगा? कोलकाता से आकर 4 दिन यहाँ हो गया, अभी तक कोई काम ही नहीं हुआ, कौन जाएगा बेटा? हाँ, एक मर्डर करने का दम यहाँ किसी में नहीं है। हमारे कोलकाता एक पेटी से 4 मर्डर हुए। इस शहर में कोई बड़ा दादा नहीं है, है ना? नॉर्थ जोन का दादा अर्जुन, साउथ जोन का पशुपति। अरे बाबा, नामेर दौरकर नहीं, उनको यहाँ बुला कर लाओ ना। हाँ जी, वो लोग बड़े आदमी है, बिना अपॉइंटमेंट में हम लोग मिल नहीं सकते। अरे बाबा, कोलकाता में मैं भी बड़ा आदमी हूँ, इसीलिए तो उनके पीए को हमने यहाँ बुलाया है। क्या कहा, पीए से अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा? सलाम भाई। ये कौन है? ये साउथ जोन का दादा पशुपति का पीए है। ओ सलाम भाई, पशुपति दादा का आगे पीछे दाएं बाएं सब कुछ मैं ही हूँ। तुम दोनों में से किसने फोन किया? मैंने फोन किया था। तुम बर्तन हो कि चमचा? मैं तो ये है। तब तो तू बंद कर, तू खोल। ए, कौन है? बुदबू मार रहा है, कौन है? धीरे बोलिए, नहीं तो सुन लेगा। बड़ी मुश्किल से यहाँ बुलाया हूँ, ये बहुत खतरनाक आदमी है, आप बात कर लीजिए ना। क्यों कलकत्ता, क्या बात है?
हाँ कुछ नहीं, आपके एक्सपीरियंस के बारे में पूछ रहा हूँ। एक्सपीरियंस क्या? हाँ यही। कलकत्ता मर्डर करने में मेरा हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है। अगर यहाँ आबादी कम करने का अवार्ड किसी को देना है तो हमारे बॉस को ही देना होगा। अब महीने के 30 मर्डर तो हो जाते हैं, इस महीने का धंधा मंदा है, इसलिए मैं तुम्हें मिलने आया हूँ। हाँ हाँ ठीक है। हाय, मे आई कम इन? कौन है बे? ओए, ये कौन है? ये नॉर्थ जोन के दादा अर्जुन की पीए है। हे भगवान, नॉर्थ साउथ एडकी। हाय, आई एम बेबी, सेक्रेटरी टू मिस्टर अर्जुन, गॉडफादर ऑफ नॉर्थ। आधे घंटे में मुझे ताज होटल जाना है एक दूसरे अपॉइंटमेंट के लिए। मैटर क्या है, जल्दी पको। सॉरी, शायद मैं गलत जगह पे आ गई। अरे नहीं, ये कौवा यहाँ क्या कर रहा है? मैंने ही बुलाया। तो मुझे क्यों बुलाया? मैटर कुछ ऐसा ही है, इंटरव्यू लेके ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। अरे पहले मैटर तो बको, ओके करने का जिम्मा तो अपन का है। एक मर्डर करना है। हाँ, मर्डर आज तक तो नहीं किया। तुम रेट बोलो, मैं सोचती हूँ। ये बता, पार्टी कौन है? इस शहर का नया कलेक्टर, कमिंग जुलाई 3 को इसको क्लोज करना पड़ेगा। अरे इतना इंतजार क्यों? कलकत्ता तेरे पान चबा के थूकने तक मैं उसकी लाश लेके आ जाऊंगा। ए बाबू, अभी वो इस शहर में नहीं है। सीएम के साथ फॉरेन टूर पे गया है, 3 को यहाँ आएगा। इसको क्लोज करने पर एक ही सिंगल पेमेंट 4 कोका में डाउन करता हूँ। पेमेंट ओके। सबूत के तौर पर तुमको सिर्फ सर चाहिए या फिर बॉडी के पीस पीस करके सूटकेस में भर के कलकत्ता भेजना होगा? अरे छोड़ ना, उसे जला कर उसकी हत्या एक लोटे में दूंगा, राख चाहे नदी में बहा देना या माथे पे लगा लेना। ये अपन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पिछले महीने भी एक ड्रामा करके एक असिस्टेंट कमिश्नर को सस्पेंड करवा दिया। आपने कोई सब ड्रामा वामा नहीं आता, एक मार दो टुकड़े बस इतना ही। ओए कलकत्ता, इस कौवे का काई काई बंद करा। हमारे अर्जुन की कैपेसिटी को नहीं जानते। एक शादी के मंडप में जयकार करके एक मंत्री को भिखारी बना दिया और दूसरे जयकार से एक भिखारी को मंत्री बना दिया। हम ये सब नहीं जानते, हम बस इतना जानते हैं काटो पीटो मारो जलाओ राख बनाओ। सुन कलकत्ता, टेंडर अगर मिस हो गया तो तू मिस हो जाएगा। ओए कलकत्ता, डरो मत, मैं हूँ ना, अर्जुन बोले तो सेफ्टी। सॉरी बेबी, ये सुपारी तुमको नहीं दे सकते। अगली सुपारी तुम्हें दे देंगे। अपन को बुला के इंसल्ट करता है? आर किच नो है, तुम्हारे बातों से लगता है तुम्हारा आदमी सिर्फ माइंड यूज करता है। इसका आदमी काटने में चीड़ने में एक्सपर्ट है, तुम्हारा आदमी मारने में थोड़ा वीक है। वीक भी नहीं, महिला भी नहीं। अरे ये सब बताने की जरूरत क्या है? अबे काले कौवे, हमारा रेंज नहीं जानता। हम अगर चाहे तो, अगर चाहे तो कुछ नहीं कर सकती। अरे जाने को बोलना कलकत्ता, जाने को। आप जाइए, तुम ही जाओ। ओए कलकत्ता, अपन का इंसल्ट किया ना, तुझे देख लूंगी। थैंक भाई, तू अपना कलकत्ता का टिकट काट ले, मैं उसका टिकट काट दूंगा। क्यों चमचा? उस मंदिर के लिए जो मदद चाहिए मैं करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कपट हो गया, नाच हो गया। अरे पागल हो गई हो क्या, जो ये सब कर रही हो? हुई नहीं, जल्दी हो जाऊंगी। एक पेटी दो पेटी नहीं, 4 खोकट चला गया। खैर ये सब छोड़ो, उस कलकत्ता वाले ने क्या कहा? अपन उस काम के लायक नहीं कह दिया। कैसी डील? एक नए कलेक्टर को क्लोज करना था। क्लोज करने पर 4 खोका सिंगल पेमेंट। 4 खोका सिंगल पेमेंट। वो कलेक्टर है कहाँ? चीफ मिनिस्टर के साथ फॉरेन टूर पे है, अगले महीने की 3 को ही वापस आएगा। डील तो सही लगती थी, ओके क्यों नहीं किया? ओए, वो अपन को ओके नहीं किया। क्यों? तेरा दिमाग है लेकिन पावर नहीं, बोल दिया, पशुपति को डील दे दिया। वो भी ठीक था लेकिन उस काले कौवे ने अपन को वेस्ट बोल दिया। वो लोग मैटर खत्म करके ऑल इंडिया लेवल पे नाम कमाएंगे और अपन की इज्जत बे ऑफ बंगाल में बह के कलकत्ता तक पहुंच जाएगी। तो वो पशुपति कलेक्टर को मारने वाला है? हाँ हाँ हाँ। तो एक काम करते हैं, हम कलेक्टर को बचा लेते हैं। फोन करने पर वो किंग और बचाने पर तू तो सचमुच भेजने वाला है। ये तो सुपर आइडिया है, अब उनके दिमाग में आया ही नहीं। उस कलेक्टर को बचा
डालो। अच्छा डालना। जितना तू सोच रहा उतना आसान काम नहीं है। कलेक्टर की पोस्ट पावरफुल है और उसके इर्द गिर्द पुलिस वाले घूमते हैं। उस्ताद अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो हमारा पचका हो जाएगा। पचका नहीं झटका ही होगा। अर्जुन को झटका देने का यही सही मौका है। ऐ बजर बट्टो, जुलाई की 3 तारीख को इस शहर में बम का धमाका होना चाहिए। वो कलेक्टर कब आएगा? 3 तारीख को। और वो 3 तारीख आज ही है। अपने आदमी कमाल दिखा रहे हैं। दंगे को राजनीतिक रूप दो और रोडिंग पार्टी के भेष में जाओ वहां। अच्छा पुलिस स्टेशन का नंबर मिलाओ। हेलो सिटी पुलिस स्टेशन सर जी, रामनगर इलाके में दंगा हो गया सर जी। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। अगर जल्दी नहीं आए तो खून खराब हो जाएगा। जल्दी आइए साहब जी। उस्ताद पुलिस की गाड़ियां आ गई। शहर का हाल कैसा है? आग में झुलस रहा है। फायर ब्रिगेड को फोन करो। अरे बेवकूफ, मेरे फोन तो नहीं, अपना फोन लाओ। फायर सर्विस सर, बहादुरगंज में आग लगा दी गई है। मेरी माँ और मेरा भाई आग की चपेट में आ गए हैं। यहाँ पर गुंडे बदमाश पत्थरबाजी कर रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है सर। सर आगे हमें बचाइए सर। हाँ, जितनी जल्दी हो सके आइए, जल्दी आइए सर। कलेक्टर लाइन पे है। मैं एमपी हॉस्पिटल से नर्स बोल रही हूँ। यहाँ पे बहुत तोड़फोड़ मची है। जो भी पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए आए हैं उनके साथ मार पिटाई कर रहे हैं, यहाँ बमबारी भी कर रहे हैं। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। किसी भी पुलिस स्टेशन को फोन लगा रही हूँ, वहीं पे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। चारों तरफ खून ही खून है। अब प्लीज आकर हम लोगों को बचाइए प्लीज। कलेक्टर अकेला हॉस्पिटल आने वाला है, वो सीधा मॉर्चरी पहुंचना चाहिए। अर्जुन की तरह लग रहा है। अर्जुन
अर्जुन तू यहाँ भी आ गया। ए कट्टर साले को मार दो। हे राम क्या हो रहा है? किशन, हाय हाय, मेरी बेटी किशन को क्या हो गया? हाय हाय हाय, क्या हो? किशन, किशन आंखें खोलो। मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्या देख रहा है? दादा, बहुत बड़ा दादा है। खोज करने के लिए सुपारी दी थी ना, रोकड़ा 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 नहीं लिया। वन सिंगल पेमेंट चार खोगा। किससे बात कर रहा है? थोकता हूं तेरे रोकड़े पे, तू अपना रोकड़ा लेके जा। रोकड़ा किसे चाहिए? बाड़ी चाहिए, बाड़ी नहीं समझे? कलेक्टर की डेथ बाड़ी। आज तक मेरा निशाना चूका नहीं, आइंदा तुझे इधर आने की जरूरत नहीं। कलेक्टर की बॉडी तुझे पार्सल कर दूंगा। जाओ जाओ जाओ। किस लिए उसने कलेक्टर को बचाया? नहीं जानता उस्ताद। उसका कलेक्टर से क्या ताल्लुक है? दोनों जीरोक्स का भी की तरह एक जैसे ही लगते हैं। भाई दोनों की शक्ल एक जैसी है, ऐसे कैसे हो सकता है? कहीं ये दोनों जुड़वा भाई तो नहीं? जहाँ तक मैं जानती हूँ किशन का कोई जुड़वा भाई नहीं। कहते हैं दुनिया में एक ही शक्ल के सात लोग होते हैं, ऐसा ही होगा। जो भी हो भाई, सही मौके पे आके उसने बचा लिया। ये जहाँ भी जाते हैं इनके दुश्मन बन जाते हैं। भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर मैं कहूँगी तो वो नहीं मानेंगे। उनसे जॉब रिजाइन करने को कहो ना प्लीज। वो काम पर न जाए, इतना ही ना? मैं देख लूंगी, तू फिक्र मत कर। क्यों बिटुआ, तैयार हो गए? मुझे एक ऑटोग्राफ दे दे बेटा। ऑटोग्राफ किस लिए? सब लोग मैं कलेक्टर की बाई हूँ, कलेक्टर की बाई हूँ बोलते हैं, इसलिए चाहिए था। जब सब लोग तुमसे ऑटोग्राफ लेते हैं तो मुझको भी जलन होती है, तो हमका भी एक ऑटोग्राफ दे दो बिटुआ। जाओ ना भाई, स्टाइल मत करो। हाँ दे दो बिटुआ। ठीक है लो। झूम क्यों रही हो? ऐसे ही, इतना काफी है। आओ जल्दी आओ, काम तुमने उनसे बात करी? उन्होंने जॉब रिजाइन करने को कहा? कहो ना, क्या कहा उन्होंने? जल्दी से कलेक्टर ऑफिस को फोन लगा। कलेक्टर ऑफिस? हाँ। मगर क्यों? तू फोन लगा, मैं बताती हूँ। हेलो, क्या बोलना है? नहीं नहीं, तू बात मत कर, मुझे दे दे। हेलो कलेक्टर ऑफिस, मैं कलेक्टर के घर से बोल रही हूँ। वो काम पर नहीं आएंगे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। भाई सच में इस्तीफा दे दिया? मेरी बात तो यकीन नहीं हो रहा है। कलेक्टर का दिया हुआ इस्तीफा मेरे हाथ में ही है, कलेक्टर काम में बिजी है इसलिए मुझे फोन करने को बोले। भाई तुम क्या बोल रही हो?
तुम काम पे नहीं जाओगे, इस्तीफा दे दिया, यही बोली। मैंने इस्तीफा कब दिया? तुम्हारे ऑटोग्राफ के पेपर पे मैंने इस्तीफा लिख दिया। ये सब तुमने बताया? नहीं, मेरी बात तो सुनिए। उस हादसे के बाद मुझे बहुत डर लग रहा है। आप ये नौकरी मत करिए। hey, क्या बोल रही हो? मैं कलेक्टर का काम करता हूँ, रोड पे नहीं घूमता हूँ। बात वो नहीं। Shut up. उस बेचारे की कोई गलती नहीं, सब कुछ मैंने ही किया। ये बच्ची पर तुम तो बड़ी, तुम्हारी अकल कहाँ गई? शापस से बोल रहा हूँ, अगर मेरी नौकरी के बारे में किसी ने बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं। दो इधर। एक मिनट बेटा, उस इस्तीफे को तो तुमने फाड़ दिया, एक और ऑटोग्राफ दे दो बेटा। शिट। इधर आ जा, इधर आ जा। कौन है तू? मेरा नाम शालू प्रिया है, सब मुझे शालू कहते हैं। क्या दारू पियर, थर्रे की दुकान से आई है क्या? मतलब पियर कड़े क्या पूछ रहा हूँ? हाँ, मैंने तुझे कहीं देखा है, थर्रे की दुकान पे तो नहीं? तौबा तौबा, ऐसा भी कोई ब्रांड है क्या? मैं तो सिर्फ मैकडॉनल्ड और बकाली को जानता हूँ। ओफो, मैं वैसी लड़की नहीं। ओह, किसी नौटंकी में काम करती है क्या? यहाँ क्यों आई है? अर्जुन साहब से मिलना है। तुझे देखते ही वो चकरा जाएगा। क्या बात है? पर्सनल। पर्सनल? अर्जुन को कहाँ देखी, कैसे देखी, कब देखी, कितने दिनों का कॉन्ट्रैक्ट है? कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट लाइफ टाइम का है। मुझे चक्कर आ रहे हैं। दारू तो मैंने पिया, चक्कर तुझे क्यों आ रहा है? ओ, वो चक्कर है क्या अर्जुन? तूने कमाल कर दिया। एक लिया, तू वहाँ क्या कर रहा है? हाँ, बिरयानी बना रहा हूँ। दारू पी के बकवास मत किया कर, पहले तुझे ठिकाने लगाना होगा। मुझे धमकी दे रही है? शुशु, ट्रम्प कार्ड मिल गया है, सही जगह लगाने से बेबी डमी तेरे लिए रमी। अब तुझे अर्जुन से ही मिलना है ना? मैं मिलवा दूंगा, लेकिन एक कंडीशन, तेरे मन में, तेरे जीवन में, तेरे धड़कन में सब अर्जुन होना चाहिए। क्या मतलब? सवाल मत कर वरना हलाल हो जाएगी। अंदर बेबी राम की कसाईन है, वहाँ ऐसा खेल खेलना कि तेरी बेबी उस बेबी के हाथों में खेलने लगे। अगर तेरी बात साफ हो गई तो समझो बेबी ऑफ हो गई। समझी? समझी जैसा है। मैं अंदर जाऊं? जा जा, जीत तुम्हारी होगी, जीत तुम्हारी होगी। ए बेबी, अंदर आ रही है सुनामी, अब तू हो गई पुरानी, समझी? साहब, अर्जुन साहब। ओए, द्रौपदी की तरह अर्जुन अर्जुन चिल्ला रही है, कौन है तू? अर्जुन साहब से मिलना है। ए, पहले आप उनको मैटर बोल। नहीं, वो क्या है कि बिना डरे बोल, किसी का हाथ पैर तोड़ना है क्या? किसी का सर फोड़ना है? रोकड़ा 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 दे, चुटकी में काम तमाम। वैसी कोई बात नहीं। तेरा हुलिया देख के तो लग रहा है कि लव फेलियर है। क्या साथ छोड़ दिया, शादी से इनकार कर दिया? अरे लौंडा दिखा, मुंडन कर दूंगी। राम 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 राम। बेबी, किससे बात कर रही हो? गुड मॉर्निंग साहब। तुम कौन हो? मेरा नाम प्रिया है। आपने उस दिन जान बचाई थी ना? और कलेक्टर का छोर है ये, इसका मीटर तो डाउन करना ही होगा। ए, उस दिन बच के निकलने वाली पार्टी तू ही है, उस दिन से हम तुझे ढूंढ रहे थे। देख, तेरा लवर को बचाने के लिए 5 पेटी और लेट पेमेंट की वजह से 1 पेटी। निकाल निकाल निकाल। बेबी, हिफाजत की डील पक्की हुई कि नहीं? ट्राई तो करने दो। खैर छोड़ दे, अब क्या बात है? साहब, उनकी हिफाजत आपको ही करनी है। हिफाजत तो कर ली है ना? हाँ, वो खूनी उस दिन बच के निकल गया, मुझे डर है कहीं वो वापस आकर उन पे हमला, इसीलिए आप रोका देगी क्या? आप जितना मांगेंगे मैं दे दूंगी। तब तो ठीक है अर्जुन, छेड़ दो महाभारत। ठीक है, तुम किस शहर के? इसी शहर के। तुम इस शहर के, कलेक्टर भी इसी शहर का, लेकिन खून का टेंडर देने वाला कलकत्ता का है। कुछ खटक रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं, कलकत्ता वाला? हाँ, कलकत्ता पार्टी है कोई। तेरे कलेक्टर को मारने का ठेका 4 खोखा, अपन को टेंडर नहीं दिया, अपन के दुश्मन को दिया, आप उनके पावर को दिखाने को आप उन्हें कलेक्टर को बचाया। सर, वो कलकत्ता वाला बहुत खतरनाक आदमी है। खैर, तुम्हारा उनसे क्या संबंध है?
अरे किसी को जामिन को था अरे छोड़ो ना ओ ये क्या कर रहे हो अमर गाड़ी से छोड़ो अरे छोड़ो अमर गाड़ी से छोड़ो पहले एक जना बात करो मुझे तो अरे छोड़ो ना छोड़ो छोड़ो मैंने कहा छोड़ो अच्छा बताओ कितना लोगे पहले ये बताओ कितना लोगे लड़की को परेशान कर रहे हो हम अपने पूछे देखो अरे छोड़ो ना हमारे साथ आखिर माजरा क्या है नहीं साहब अकेली नहीं लड़की आई है तो मदद के लिए मैं पूछ रहा था कहाँ जाना है मैं पहुँचा दूंगा झूठा कहीं का सो जब तक आप नहीं आए थे ये लोग बंगाली में बात करके परेशान कर रहे थे अब अचानक हिंदी में बात करने लगे नहीं हो क्या हाँ सर कहाँ से आई हो बड़क ग्राम ये बात है मैं भी वही काम आप भी बड़क ग्राम के हैं कहाँ पर सर मैं पुलिया डिस्ट्रिक्ट का हूँ अच्छा सर आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई तुम क्या अकेले आए हो हाँ सर हाँ अबे जा लड़की को परेशान कर रहे हो जाना कहाँ जाओगी बेटी कलेक्टर ऑफिस ओ क्या नौकरी ज्वाइन करने वाली हो नहीं सर सिफारिश के लिए जा रही हो नहीं सर फिर मैं उनकी उड़बी हूँ उड़बी हो हाँ हमारी शादी होने वाली है वेरी गुड जब से नया कलेक्टर आया है मैंने भी नहीं देखा मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ चलो ड्रॉप कर देता हूँ सर क्या बेटी क्या सोच रही हो मैंने बताया ना मैं भी पुरलिया का हूँ मेरा नाम चक्रवर्ती अरविंद चक्रवर्ती लोग हाईवे चक्रवर्ती बोलते हैं कलकत्ता के एक निर्वाचन क्षेत्र का मैं MLA हूँ चिंता मत करो अबे सामान उठा ले बेटी आजा तुम गाड़ी में बैठो चलो आ बेटी ओ एक मिनट जरूरी बैग को साथ में ही रखना पड़ता है किसी के ऊपर भरोसा मत करना तुम भी अपना बैग ले लो अबे ओए बेटी का सामान उठा के दे दे सो सर ओ बिल्डिंग का भंगे पड़ा कारण होलो और कंस्ट्रक्शन का ভালো ছিল না সে আই ওয়ান্ট এভরিথিং অন ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট ওকে यस सर ओके सर बाबू फाइलटा नीन नमस्ते भाई साहब नमस्ते क्या देख रहे हो बंगाली हूँ पुरलिया डिस्ट्रिक्ट पुरलिया नेटिव मेरा नाम अरविंद चक्रवर्ती सब लोग हाईवे चक्रवर्ती बोलते हैं ठीक है उसे भूल जाओ अमी अब मैं सौत कोलकाता का MLA हूँ जय हो काली कलकत्ते वाली शहर में एक नए कलेक्टर आए हैं एक महीना पहले ही पता चला वो भी मेरी कंस्टिट्यूएंसी में तभी आकर मिलना चाहिए था क्या करूं भाई साहब CM मीटिंग PM मीटिंग पार्टी टूर एक घूंट कटकने के लिए भी टाइम नहीं है फिर भी एक खुशी है कि हमारे शहर में एक ईमानदार कलेक्टर आए हैं काम की बात कीजिए बोलूंगा बोलूंगा भाई साहब एक कलेक्टर को देखने के लिए MLA आते हैं तो बुके लेके आते हैं या तो कुछ तोहफा लेके आते हैं लेकिन ये MLA स्पेशल एक लड़की को साथ लाया है बेटी आओ बेटी आओ प्रिया तुम हाँ प्रिया ही है रेलवे स्टेशन में एक एड्रेस लेके सबसे पूछताछ कर रही थी कौन है ये लड़की कहाँ जाएगी एड्रेस लेके देखा आपका नाम पाया साथ लेके आया हूँ थैंक यू सर सुना है कि आपके मंगेतर है बढ़िया ब्यूटीफुल पैर बेटी सर कलेक्टर को दो दिन की छुट्टी लेने को बोलकर पूरे शहर में सैर करके एंजॉय करो आता हूँ भाई साहब जय हो काली कलकत्ते वाली कैसे भूल सकते हो काम के चक्कर में भूल गया था सफर कैसा रहा बहुत घटिया था कलेक्टर के ऑफिस में बैग चेयर पे रखते हैं हाँ ये तुम्हारा बैग नहीं है मतलब वो अपना बैग ना भूल गया सुनो खूबी भालो अरे जल्दी लेके आओ धन्यवाद बेटी पेपर के बारे में मैंने क्या लिखा है कि ओ भूल जाता हूँ मेरी याददाश्त के बारे में तुम जानती हो बेटी मेरे बारे में पेपर में क्या लिखा है अपना शंभुन छी हम भालो बोली छी बोले हैं बोलेंगे बोलना ही चाहिए नहीं तो मैं उन्हें अरे कलेक्टर भाई आओ भाई आओ मैं जानता था तुम आओगे लेकिन इतनी जल्दी आओगे ये नहीं जानता था ये आपका ही बैग है
ये तो मेरा बैग है। आप मेरी ऑफिस में भूल कर आ गए। माँ काली, इसके अंदर 5 लाख है। मैंने खोल के नहीं देखे। इसके अंदर 5 लाख है, ले जाके देखो। ठीक है जी। तुम कितने महान हो। अरे बैठो भाई, तुम भी बैठो, ये तुम्हारा घर है। कलेक्टर भाई, मैं थोड़ा सा भुलक्कड़ हूँ। बचपन में स्कूल में पढ़ते वक्त उस दिन की पढ़ाई अगले दिन भूल जाता था, अगले दिन की पढ़ाई उसी दिन भूल जाता था। पढ़ाई भूलना तो कोई बात नहीं है, एक दिन ट्राउजर पहने बिना वैसे के वैसे ही चला गया। टीचर ने खूब पिटाई की, बस उसी दिन पुरलिया में एक ही जंप मारा और कलकत्ता में एंट्री। बेवकूफ लोगों ने सड़क पे घूमने वाले लावारिस लड़के को सर पे बिठा के MLA बना दिया। तब से मुझे फुटपाथ और सड़कों से बहुत प्यार हो गया। दादा गुने देखलम ठीक है, करेक्ट है, अंदर रख दो। कलेक्टर भाई, ये बड़े मेहनत के कमाए हुए पैसे हैं। वैसे मेरे घर में हमेशा महालक्ष्मी आया करती है, कभी बाहर नहीं गई। भुलक्कड़ भुलक्कड़ भुलक्कड़, पहली बार मेरे घर आए हो। कॉफी चाय कोल्ड ड्रिंक्स? जी कुछ नहीं, थैंक यू। अच्छा तो हम चलते हैं। बेटी बड़ी भाग्यशाली हो, सुशील लड़का है और ईमानदार भी है, दूसरों के धन की लालसा भी नहीं है। जीते रहो जीते रहो। ये क्या, मेरे ही स्टाइल को फॉलो कर रहा है? नमस्ते कलेक्टर भाई। नमस्ते। यो भाई, मंगेतर के साथ शॉपिंग? बड़ी खुशी। जीते रहो बेटा जीते रहो। बेटी कलेक्टर बहुत बिजी रहते हैं, इन्हें फ्री करा के सैर कराने का काम तुम्हारा है। फुर्सत से पूरे शहर की सैर करना है, समझे? सर अपना बैग अपने भूले गए थे। देख लिया भाई, आज मेरे पोते का जन्मदिन है, गिफ्ट खरीदने के लिए आया, बिल भी भर दिया लेकिन गिफ्ट भूल के आ गया। ये मेरी पुरानी बीमारी है, क्या करूं, आदत से मजबूर। बिटिया रानी तुम मेरी तरह कुछ मत भूलना, इनके साथ लगी रहो। हेलो, बोलिए। ये बात, मैं अभी वहां पहुंचता हूं, तुम घर जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। क्यों? मैंने कहा ना पहले जाओ। तो फिर शॉपिंग? सेल्फिश। দাদা 12 টাকার খুচরো ঠিক আছে তো? অন্ধ ভেবে ধোকা দেবেন না দাদা। না না ঠিক আছে ঠিক আছে। সন্তোষ, কই বাট নেই ম্যাডাম। নমস্তে। मुझे यहां किस लिए बुलाया? यहां आसपास कोई है तो नहीं? कोई नहीं है, क्या बात है बता। कल रात दुकान बंद करते वक्त एक अजनबी एसटीडी करने के लिए आया था, उसने सिर्फ 8 नंबर डायल किया था। 8 नंबर भला कैसे एसटीडी हो सकता है सर, मुझे डाउट हुआ, इसलिए मैंने रिसीवर उठा के रिडायल किया। उस तरफ से ओके की आवाज आई साहब, 1 रुपया दे के एसटीडी में बात करके चला गया साहब। मस्जिद के सामने जो कच्ची सड़क है उस पे तार पोल डाल के पक्की सड़क बनाने को कहा। 1 रुपया दे के कैसे एसटीडी में बात कर सकता है, वो मस्जिद के सामने कैसे पक्की सड़क बना सकता है, इसलिए मैंने आपको फोन किया था। এই শহরেই আপনার কথা মতো মসজিদ এবং চার্চ এই একই রাস্তা দিয়ে রয়েছে। কোন রোড? সুরেন বানার্জি রোড। एसटीडी में बात करके चला गया साहब, मस्जिद के सामने जो कच्ची सड़क है उस पे तार पोल डाल के पक्की सड़क बनाने को कहा। हाँ
ताले चलो चलो गाड़ी नहीं सुनो ना ताड़ी Yes, sir. यहाँ खोदो, खोदो। ऐसा क्यों कर चो? आपकी तारीफ? मैं कौन पूछने वाला? ये कौन है? हमारे नए कलेक्टर साहब। नया कलेक्टर। मद्रासी कलेक्टर। किशन। यहाँ अगर पूछोगे कि मैं कौन हूँ? आए हुए चक्रवर्ती को पूरा कलकत्ता जानता है। मैं उनका छोटा भाई हूँ। तू चाहे कोई भी हो मुझे क्या? खोदो। गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट लेकर रोड बनाया है। अभी पेमेंट आएगा। अभी अगर तूने रोड डैमेज किया तो मैं तुझे डैमेज कर दूंगा। ऑफिसर। हाईवे चक्रवर्ती के कॉलेज का स्टूडेंट है। इसने लोगों के साथ मिलकर स्ट्राइक की थी। You see, I want immediate search and arrest warrant. What is name? चक्रवर्ती। चक्रवर्ती। चाहे उसका जो भी नाम हो, arrest him, okay? सर, okay, arrest करते होले। प्रमाण आरो पावरफुल चाहिए सर। तुम्ही की प्रमाण चाहिए? See. The boy who died was studying in Kovind College. And the body of the boy was found in road with Chakravarti has a contract. What more evidence you want? Namaste, bhai, namaste. Arre, kya brain hai? Aam aadmi ki baaton mein aakar, investigation se area officer ki tarah, 20 sadak mein gadi lash ko khod nikal kar, tehkikat puri kar di. Bhai, apni zindagi mein tar road banvai. लेकिन लाश को दफनाकर उसके ऊपर सड़क बनाने वाली बात पहले बार सुनकर ताज्जुब हुआ मुझे। तुमने पता कर लिया। उसके लिए सर झुका के तारीफ करता हूं। तुम्हारे जैसे अफसर सीएम के लेफ्ट में होना चाहिए तो राइट में होना चाहिए। नेक्स्ट वीक मैं सीएम से मिलने जा रहा हूं। तुम्हें फाइनेंस सेक्रेटरी बनना है या चीफ सेक्रेटरी? जो भी बनना है घर पे आ जाना, बात कर लेते हैं। तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। थैंक्स। गेट आउट। ओके सर, ए बैग तो उन्हीं फेले गए चेन। इधर आओ। क्या? ये बैग ले जाके उसका मुंह पे मारो। ठीक है चेन। दादा, 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 ए ये अपना बैग। दादा, दादा, अपना बैग। ए, अंदर बैग भूल आया हूँ। वो ला रहा है, जाके ले आ। ओके सर। दादा अपना बैग। हाय
तुम आईएएस पढ़े हो, अक्कल नहीं है? अभी अभी तो तुम सिंसियर ऑफिसर कहकर सबके सामने तारीफ करके आ रहा हो। मेरे नाम पे सर्च वारंट अरेस्ट वारंट निकालने वाले थे, नहीं नहीं कहकर सारे पुलिस वालों ने एकजुट होकर मुझे अरेस्ट करने से मना कर दिया। उसके लिए इस बम से मुझे उड़ाने की कोशिश की गई। माता, काली माता, तुमने मुझे बचाया, थैंक्स। अबे, अगर मैंने जुर्म किया तो कानून है, कानून है सजा देने के लिए। तू कौन होता है, तू कौन होता है? बड़ी बेरहमी से दो मासूमों की जान ले ली तूने। तेरा पुलिस वाला मरा तो आई डोंट केयर। लेकिन मेरा ड्राइवर 20 साल से वफादारी से मेरे साथ काम कर रहा था, उसको तूने मार दिया। तुझे जवाब देना पड़ेगा। ऐसी गंगा मेरे आ कहने से आएगी, जा कहने से जाएगी। अब जाओ बच्चा। ये सेंट्रो, ये हाईवे चक्रवर्ती कौन है तुझे दिखा दूंगा तुझे। प्रिया, प्रिया, कुछ नहीं हुआ, नहीं चाहिए, ये नौकरी, ये शहर कुछ नहीं चाहिए। घबराओ नहीं प्रिया, मैं आपके साथ जीना चाहती हूँ, मैं आपको खोना नहीं चाहती किशन, नहीं। ठीक, हम ये शहर छोड़ देंगे। मैं सच कह रहा हूं। दादा, कलेक्टर स्टेशन। कलेक्टर? हाथ में कुछ पेपर ऊपर रखा है क्या? अरेस्ट वारंट लेकर आया है क्या? ये पूछ रहा हूं। नाना, और हाथ कुछ ही नहीं। नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। क्यों कलेक्टर, मुझे अरेस्ट करने आए हो? करो करो, अरे करो ना। मैं तो आपसे माफी मांगने के लिए आया हूं। पहले ही अक्कल आती तो सर उठा के मेरे साथ रह सकते थे, इस तरह मुरझा के खड़े नहीं होते। आईएएस पढ़ चुके हो, दिमाग नहीं है, मुझे खुद शर्म आ रही है। सुनिए, मेरी आंखों के सामने दो आदमियों को मार डाला गया, अब कोई नहीं मरना चाहिए। मैं अपने गांव लौट जाऊंगा साहब, मुझे इसमें आपकी मदद चाहिए। मदद मदद खाक मदद, क्या चाहिए बोल? कैश चाहिए या तबादले की सिफारिश चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, उस बॉम्ब केस में मेरा भी नाम डाला गया है। मैं कसम से कह रहा हूँ, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ये तो मैं जानता हूँ, वो तो मैंने खुद रखा सच? था। तुम मेरे नाम अरेस्ट वारंट निकाल रहा था, छोटा सा बॉम्ब। पूरी वारदात कैसे फलट गई देख लिया ना? यही है हाईवे चक्रवर्ती, अपनी होशियारी दफ्तर में दिखा, उसे छोड़कर एक अंधे की फालतू बातों में आकर अपनी जासूसी मेरे सामने दिखा रहा है। मेरे कॉलेज में फुकट में पढ़ने वाला वो कमीना शराफत से कॉलेज में आकर पढ़ने के बजाय सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके मेरे खिलाफ नारेबाजी करने लगा, इसीलिए उसको मार के उसके ऊपर सड़क बनाया। लेकिन तुमने पुलिस के कुत्ते की तरह सूंघकर उसके लाश को खोद कर निकाला। NH-43 बॉम्बे हाईवे, जानते हो ना, वहाँ 200 किलोमीटर लंबी सड़क मैंने ही बनवाई है, करेक्ट? हाँ सर। सुन लिया, NH-47 चेन्नई हाईवे, जानते हो ना, वहाँ 120 किलोमीटर सड़क मैंने ही बनवाई है। खोद कर देखो, वहाँ तुम्हें सैकड़ों लाशें दबी हुई मिलेंगी। ए, जो मैं सड़क बनाता हूँ वो सड़क नहीं, समाधि है। बेटा गायब है, पति गायब है कहकर रोने वालों को मैं अपने बगल में अपनी ही गाड़ी में बिठाकर जिस सड़क के नीचे लाशें दफन है उसी पर गाड़ी चलाकर वो कहां है ढूंढना करता था। That is my criminal capacity। राज्य के तमाम विधायकों में मैं ही नंबर वन एमएलए, वो कैसे? सबसे ज्यादा बहुमत मुझे मिला था। पार्टी मेरे इन्फ्लुएंस को देखकर मंत्री की पदवी देने वाली थी। आर्टनरी मंत्री पदवी नहीं चाहिए, अगर देना है तो नंबर वन मंत्री पदवी दो। नहीं समझे?
चीफ मिनिस्टर, मेरी कैपेसिटी जानने के बावजूद एक बेवकूफ मुख्यमंत्री बन के बैठा है। उसको पदवी मिले कल 100 दिन पूरे होने वाले हैं। चंद दिनों में उसके नाम पे राष्ट्र ध्वज पूरे राज्य में आधा झुका रहने वाला है। नहीं समझे? सीएम का शंख बजने वाला है। अगला सीएम मैं ही हूं। अगर मेरी बात मान लेता अच्छी कमाई वाली पोस्ट तुझे दे देता। यस बेवकूफ। सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज ही गांव चला जाऊंगा। ठीक है जाजा, जहां भी जा 4 पैसे कमाने की सोच, तेरे पीछे एक लड़की भी है। जी अच्छा। हाँ बस इसी में तुम आही रहे। अब एक गिलास ठंडा पानी ला। ए आईएस, मोबाइल भूल के जा रहा है। मेरी बीमारी तुझे भी लग गई क्या? ये ले। उठ अबे उठ। अबे उल्लू के पट्टे सड़क छाप। ये सेलफोन नहीं माइक्रोफोन। अभी तक जो तूने बोला सीएम चलेगा, पुलिस वाले सब जान गए होंगे। कुछ बोला तो जबान खींच लूंगा। आईएस को तूने मजाक समझ रखा है। अभी भी तेरे घर के चारों तरफ करीब 500 पुलिस वाले हैं। उन्हें यहाँ इकट्ठा करने में कम से कम 2 घंटे तो लगे होंगे ना, लेकिन मुझे आए सिर्फ 5 मिनट हुए। तो सोच मैंने कितने घंटे पहले प्लान किया होगा, इसीलिए मैं आईएएस हूँ। और तू सड़क छाप साले कुत्ते। क्या कहा था तुमने? नेशनल हाईवे में कहाँ कहाँ लाशें दफनाई हैं उसका ब्योरा दे रहा था ना। कहाँ कहाँ है बोल के ढूंढ रहा था। अब बोल, अबे बोलना बोल। क्यों बे, अगला सीएम तू बनेगा, वो भी सीएम को मार के। अब कुछ ही दिनों में तो कानून के गिरफ्त में होगा, तब तेरे घर के सामने शंख बजेगा। लेकिन वो तुझे सुनाई नहीं देगा, बता क्यों? मैं रहूंगा तब सुनूंगा। वाह क्या दिमाग पाया है, बहुत तेज दिमाग है। भैया क्यों है जे? बोलिए। उस कलेक्टर ने मुझे जलील किया, वो जिंदा नहीं रहना चाहिए। उसका सिर मुझे चाहिए। पहले वो लाके मुझे दे, फिर भैया बुलाना। जाओ। फ्लैशबैक तो अच्छा ही है, कहो तो क्लाइमेक्स बता दूं। जब तक कोर्ट में केस खत्म नहीं होता, अरविंद चक्रवर्ती से आपको ही उन्हें बचाना होगा। कलेक्टर की मैं हिफाजत करूं? अरे यार। वो हमेशा धर्म और न्याय की बात करते हैं, मगर हमारे देश में अच्छे लोगों को पत्थर बनकर जीना पड़ता है, वरना उन्हें मार दिया जाता है। उनकी जिंदगी आपकी मोहताज है, आपको ही पास। ये सेंटिमेंट वगैरह छोड़िए, मुझे क्या करना होगा सिर्फ वो बताओ। सर आपकी और उनकी शक्ल काफी मिलती जुलती है सर। ठीक है, जब तक ये मसला हल नहीं होता आप कलेक्टर बन जाएं तो। कलेक्टर? मार धाड़ बोलो, खून खराबा बोलो, ऐसा कोई भी काम बोलो, कलेक्टर बनना नहीं। अर्जुन क्या बुद्धू जैसे बातें कर रहे हो? आज तक अपन गुंडों का मुंडन कर रहे थे, अब सरकार का मुंडन करेंगे। ये क्या बोल रही हो? अर्जुन सुन, कलेक्टर की एक सिग्नेचर से करोड़ों कमा सकते हैं। अगर तू ही कलेक्टर बन गया तो सरकार का खजाना आप उनके तिजोरी में शिफ्ट कर सकते हैं। दिनों के एक 25 पेटी चलेगा।
वो सब तो ठीक है, पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। किशन की तरह थोड़ा डिसेंटली। बेबी ये क्या बोल रही है? तो क्या ये इंडिसेंट है? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। इनका पहनावा बदलवाना होगा और बाल छोटे छोटे कट करवाने। क्या है? बाल बाल नहीं कटेंगे। अर्जुन क्या है? सर पे बीच बोने की जरूरत नहीं है। नहीं तो काटोगे तो उगाएगा। तुम बेफिक्र होके जाओ। दिल ओके। थैंक यू, चलते हूँ। अब से यहाँ मत आना, जाओ। राम राम राम। तुम जाओ, अपन देख लेगा। वो क्या बाल काटने के लिए कह रही है? अर्जुन खजाने के बारे में सोचो। मेरे बाल कटा के खजाना लेगी? हाँ। ओके। ये क्या भाई, मेरे पैर दबा रही हो? इसमें क्या बेटा, बचपन से इन्हीं हाथों से तुम्हें बड़ा किया, अब बड़े हो गए तो क्या हुआ? मैं अब भी वही भाई हूँ ना। तुम थक गए हो, सो जाओ बेटा, सो जाओ। कांता भाई आप हटिए, मेरे पति के पांव मैं दबाऊंगी। न फेरे पड़े, न मंगलसूत्र पहना, और तुम्हारे पति हो गए। बिना मंगलसूत्र के क्या मैं इनकी पत्नी नहीं हो सकती? ठीक है ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। जल्दी जाके हाथ दबाओ, अच्छी तरह दबाना ताकि जल्दी से उसे नींद आ जाए। मेरा हाथ क्यों पकड़ रही हो? क्या समझता है, हमारी मर्जी के बिना अब तू बाहर नहीं निकल पाएगा? ए, मजाक सुन रहा है? खोलो मुझे। किससे मेरी शादी होने वाली है उसे मैं इस तरह परेशान कर रही हूँ? राम राम राम, सॉरी, मुझे माफ कर दो प्लीज। तुम लोग पागल हो गए भाई, खोलो नहीं मुझे। हो सकता बेटा, शोर मत मचाइए। खोलो, शोर मत मचाइए, इनकी चीखों से मुझे तकलीफ हो रही है भाई। मैं अभी आई। तू वहाँ क्या कर रही है? हाँ आई इधर। अब तू बोल नहीं पाएगा, चुप हो जा मेरा बिटुआ। ये कैसा रहा? कलेक्टर हो? रोड से चलो ऐसे। नमस्ते सर। नमस्ते, और क्या चल रहा है? अब ठीक चल रहा है। इस तरह बिहेव करते हो, अगर कोई सल्यूट करता है तो सिर्फ सर हिलाना ऐसे। टेक रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट, इसमें बुरा क्या है? धीरे सी बात करो, अगर किसी ने सुन लिया तो शक हो जाएगा। ऐसी बात है तो रेड बांध का सब सही हो जाएगा, क्यों बेबी? यस यू आर राइट। नमस्ते मैम। ये कौन है? राधे श्याम। हे मुनस्वामी, हाथ देखा। राधे श्याम, ये सर की नई पीए हैं, कलकत्ता से आई हैं। नमस्ते मैम, आप बंगला अच्छी तरह जानती हैं। उसके सिवा कुछ नहीं आता। टेंडर शुरू होने से लेके डील खत्म होने तक का सारा काम यही देखेंगी मैं। ठीक है मैडम। प्रिया तुम घर जाओ। क्यों? ऑफिस आवर्स में टाइम खराब नहीं होना चाहिए, तुम घर जाओ। अरे कलेक्टर साहब कह रहे हैं जाओ। ए दूर, तुम मेरे पीओ ना, तुम अपने केबिन में रहना, जब मैं बुलाऊं तभी आना। ओके, कैरेक्टर बदल गया ना। हुजूर? हाँ, दरअसल कुछ चाहिए हुजूर? चाहिए तुम एक सूटकेस में 1 करोड़ रुपए भर के ले आओ। ठीक है हुजूर। क्या? अबे मेरा मुंह क्या देख रहा है, जाके मेरे पीए को भेज, जल्दी जा। जाता हूँ, जाता हूँ। हाय बेबी।
गुस्सा आ रहा है? खजाना हाथ लगते ही पार्टनरशिप तोड़ दिया ना, कुर्सी मिलते ही तुम अंदर और मैं बाहर। कैरेक्टर बिल्डअप हो रहा है, वरना तुझ जैसे को मैं छोड़ सकता हूँ क्या? ये हुई ना बात। फिर भी कुछ कमी सी लग रही है, क्या कमी है? जो तुम्हें चाहिए वो मेरे पास है। यही तो बेबी मतलब बेबी यार। यार इस ऑफिस में बहुत बोर लग रहा है बेबी। क्या कितना काम है, कितने टेंडर्स में साइन करना है। चलो कलेक्टर के साइन का प्रैक्टिस करो। ठीक है दिखाओ। समझ लो काम हो गया। ए कहाँ जा रहे हो, साइन करके दिखाओ। ये तो एकदम ओरिजिनल है। हाँ ठीक है बहन। साहब ये क्या, हमने पानी के लिए अर्जी दी थी। ठीक है, कॉर्पोरेशन के बहुत दिन से चक्कर लगा रहा, अभी तो कुछ हुआ नहीं, मालिक कुछ करिए ना। किसको पता साहब, जाओ जाओ उधर जाओ बताते हैं। वहाँ जाओ बताएंगे। चलो ये क्या, सब शिकायती पत्र दे रहे हैं, रोकड़े की बात कब होगी? क्या साहब रोकड़े की बात कर रहे हैं? हम तो सिर्फ उनकी मदद करने आए साहब। ये कभी नहीं सुधरेंगे, मैं मुफ्त में कैसे काम करूं? अच्छा बेबी कहाँ है? साहब वो बिल्डिंग के सिलसिले में बात करने गई है। ये ठीक जगह पे गई है। ए लाइन में रहो, लाइन में रहो, लाइन में रहो, ए लाइन में चल। हलदार साहब जरूरी काम है, कलेक्टर क्या काम है? चलो दर करो ना, बहुत जरूरी काम है, मुझे छोड़ो। अबे सब लोग लाइन में खड़े, तू क्यों नहीं लाइन में खड़ा? तू क्या प्राइम मिनिस्टर है क्या यहाँ का? चलो दर समझा करो ना, उसे भेज दो। साहब नमस्ते साहब, क्या हुआ? आपको अर्जी देने के लिए आयो, आपसे बात करनी है। अकेले में? अकेले में बात करनी है। ठीक है हाँ बोलो। साहब हमारे सारे झोपड़े जल गए, हमारे बीवी बच्चे रास्ते पर आ गए, अब आप ही बचा सकते हैं साहब। ये बात है। अच्छा तुम्हारे पड़ोस में जो गांजा बेचता था मोहम्मद, उसका घर भी जल गया क्या? और वो जो ठहरा बनाता था श्याम सुंदर, उसका घर भी जल गया? और वो तुम्हारी सेटअप जो थी सुंदरी, तो उसका घर भी जल गया? और वो जो तुम्हारा है पशुपति, उसका घर भी जल गया? जल जाएगा। चलो अकेले बात करता हूँ। सुन कब कौन क्या कर रहा है ये समझ कर कोई काम करना चाहिए। बेकार में टाइम क्यों खराब करता है? थोपड़े पे क्या चिपका है, निकाल निकाल दे। इससे पहले भी तुमने कलेक्टर को लौटकाना चाहा, पर कुछ नहीं हुआ, तब उसे किसने बचाया? अर्जुन। तो अर्जुन को लौटकाने का सोचना गलत बात है ना, ऐसी गलती क्यों करते हो? ये किसका है? मेरा। मेरे हाथ में कैसा है? नहीं जानता। तो किस तरह से काम करते हो? पशुपति से बोल दे मेरे बीच में टांग अड़ाई तो वो अपनी टांगों से हाथ धो बैठे। भैया मुझे बचा लीजिए कुछ भी करके, ये सब चाहिए क्या? भाग। अबे भाग। ये क्या बकरा? कलेक्टर को मारने गए थे लेकिन वहाँ कलेक्टर के बेस में अर्जुन है। क्या कहा? अर्जुन ये क्या बोल रहे हैं? हाँ भाई। आप जैसे काम किसी कलेक्टर ने आज तक नहीं किया, एक ही दिन में 400 फाइल पे साइन आपने कर दिया। इंसान को मेहनत से कभी जीने चुराना चाहिए, और कोई फाइल बची है क्या? हाँ साहब, सीएम साहब की एक फाइल पेंडिंग में पड़ी है साहब। रोकड़ा? साहब सीएम साहब से कैसे रोकड़ा निकाल सकते हैं? भगवान हो तो भी करेंसी से बात करनी पड़ती है, जाके रेट बांध ले। नमस्ते साहब। हाँ नमस्ते। कलेक्टर साहब से मिलना था। वो तो ठीक है, रोकड़ा है कि नहीं? रोकड़ा लेके ही कलेक्टर साहब बात करते हैं। हाँ ये है ना। हाँ ठीक है, तो अंदर जाओ। नमस्ते साहब। अनाथालय के बच्चों के लिए फाइन फंड आया हुआ है, आप इस फाइल में सिग्नेचर कर देंगे तो उन अनाथ बच्चों का भला हो जाएगा, आप एक सिग्नेचर कर दीजिए। फॉरेन फंड्स आ गया? आ गया साहब। तो उस फंड में से थोड़ा सा इस तरह खिसका दो, तब ये क्या पूरे जिले का पट्टा तुम्हें मिल जाएगा। साहब ये 5 लाख रुपए एडवांस में रखिए, बाकी काम होने के बाद मैं आपको पहुंचा दूंगा। 2 करोड़ रुपए और दूंगा आपको। इसमें है क्या, एक ही साइन ना? मैं हजारों साइन डालने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद साहब जी। धन्यवाद तो मुझे कहना चाहिए,
बाप रे। क्यों ये दस्तखत लेके आ गए? हाँ। चल गाड़ी चला। तेरी शादी हो गई? हैप्पी होली बजाओ, जम के ऐश करो। आहा, ओहो। अरे भैया, आहा ओहो, ये सब क्या बोल रहे हो? उधर देखना, उधर देखना। इधर भैया, मूड ही खराब कर दिया। छे साहब कहाँ हैं? ये क्या? मत मारो, मत मारो मुझे, मत मारो। ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? एक ऐसा देश है, एक पुलिस वाले ने एक मंत्री को जान से मार डाला, हम सब तमाशा देख रहे हैं, क्या यही इंसाफ है? एक मंत्री की हिफाजत नहीं है तो जनता की दशा? सुनिए, देश में कानून नाम की कोई चीज ही नहीं है, फौरन इस मंत्रिमंडल को डिसमिस करना ही होगा। कराए जरूरी नहीं है, जनता की हिफाजत ही जरूरी है। जिस मंत्री का खून हुआ है उस खून की जिम्मेदारी लेकर मुख्यमंत्री को फौरन इस्तीफा देना ही होगा। सर, मंत्री का खून करने वाला आपका भाई है ना? भाई हो या बाप हो, जिसने गुनाह किया है उसे सजा भुगतनी ही होगी। फौरन उस ऑफिसर को बुलाकर इंक्वायरी करनी ही होगी। हाँ सर, कलेक्टर ने मुझे ऑर्डर दिया कि एनकाउंटर में उसे मार दो। कलेक्टर पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो? मैं क्यों इल्जाम लगाऊंगा? सीएम ने जुबानी हुक्म दिया है गृह मंत्री को एनकाउंटर के बहाने खत्म कर दो। मैंने ऐसे करने से इनकार किया, कलेक्टर ने अवैध ऑर्डर कहा। ये हमें समझा रहे हो? ऐसा कुछ होगा ये सोचकर मैंने कलेक्टर से लिखित आदेश मांगा था। ये देखिए सर, उस गृह मंत्री को मारने का कलेक्टर का ये लिखित आदेश। Shit, I don't believe this. देखिए आप लोग जो भी बोल रहे हैं उस हिसाब से वो साइन मेरे ही है, लेकिन वो साइन मैंने नहीं किए। ये क्या आप कंफ्यूज कर रहे हैं? आपके साइन है, आपने नहीं किए। जब आपने साइन नहीं किए तो आखिर वो साइन किसने किए हैं? मेरे घर में ऐसा एक हादसावा बोलते हुए भी मुझे शर्म आती है। मेरे ही एक हमशक्ल ने मेरी सीट पर बैठकर ये फोर्जरी की है। इस बात पे हमें शक है, मगर ये फैक्ट सर। सॉरी सर, आप एक जेन्युइन ऑफिसर है ये हमें मालूम है, लेकिन इंक्वायरी होने तक आप हमारे कस्टडी में रहेंगे। छह बजे गृह मंत्री श्री विश्वनाथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। चश्मदीद गवाहों का कहना है कि मारने वाला कोई पुलिस अधिकारी है। पुलिस का कहना है कि हत्यारा सचमुच का पुलिस अधिकारी है कि नहीं, इसकी जांच चल रही है। शहर में स्थिति तनावपूर्ण है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना शहर में न घटने पाए। मेरे साइन लेकर इस तरह क्रिमिनल का काम कर दिया, बेकार में वो कलेक्टर बेचारा फंस गया। जुर्म कबूल कर
मुझे अंदर रखने पर भी आज आप लोगों के सामने बात करने का मौका दिया, उसके लिए न्यायालय और पुलिस डिपार्टमेंट को मेरा धन्यवाद। मेरे ऑर्डर पर गृह मंत्री जी को एनकाउंटर में शूट किया, ऐसा कहा गया। मेरा ही कोई हमशक्ल कुर्सी पर बैठकर पैसों के लिए फौजदारी कर रहा है। उसे पकड़कर पूछताछ करने से पहले मैं दो लोगों से पूछना चाहूंगा, पिछले गृह मंत्री शंभुनाथ जी और असिस्टेंट कमिश्नर मिस्टर अजय। गुड मॉर्निंग सर। आप जरा वहां चैम्बर में बैठ जाइए। मुझसे कैसी पूछताछ? गृह मंत्री का खून करने का आरोप आप पर लगा है। क्या मैंने खून किया? मैं उनका खून क्यों करने लगूं? देखो, तुम्हारे और मरने वाले गृह मंत्री विश्वनाथ जी के बीच बहुत दिनों से तनाव चल रहा था। तुम्हारी बेटी की शादी में अर्जुन का पैसा देकर नारे लगवा कर तुम्हारी पदवी छीन ली विश्वनाथ ने। उसके लिए अपने छोटा भाई के हाथों कलेक्टर का नाटक करने वाले अर्जुन का पैसा देकर शूट ऑर्डर लेकर गृह मंत्री जी का खून किया। बिल्कुल झूठ है ये। किस हरामजादे ने कहा आपसे? तुम्हारे ही भाई। भाई? ये राज की बात तो सिर्फ भाई जानता है, कहीं उसने पता तो नहीं दिया? ये क्या बात कर रहे हैं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। सोच क्या रहे हो? तुम्हारे छोटा भाई ने एक बड़ा जुर्म कर लिया है, अगर तुम भी कबूल कर लोगे तो सजा थोड़ी कम हो जाएगी। सर उसकी बातों का विश्वास मत कीजिए, वो झूठ बोल रहा है। वो तुम्हारा सगा भाई ही है ना? भाई नहीं खताई है, सच्चाई मैं बताता हूँ। उस अर्जुन की वजह से इसकी नौकरी चली गई थी, बदला लेने की उसकी चाल है। कलेक्टर का नाटक करने वाले अर्जुन के पास अनाथ आश्रम के लिए जमीन लेना है झूठ बोल के ये रास्कल चालाकी से एनकाउंटर ऑर्डर पर दस्तखत लेकर मंत्री का इसने खून कर दिया। सर ये इल्जाम मुझ पर लगा रहा है, वर्दी वाला गुंडा। तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है? सर मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, इसे जेल में डालकर कूटिए, सच्चाई बता देगा। ठीक है मैं उनसे पूछता हूँ, तुम जाकर अंदर बैठ जाओ। सर जल्दबाजी में गलत फैसला मत लीजिए, मैं यहाँ पर भरोसा कर रहा हूँ, मुझे बचा लीजिए। चाहो तो उसे फांसी पर लटका दीजिए, लेकिन मुझे प्लीज जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। कमीने, मेरा राज खोलकर अनजान बन के बैठा है। अब उन्हें बुलाइए। सर मैं अपना बयान इंक्वायरी कमीशन को दे चुका हूँ, फिर से ये तकीकात किस लिए? सर एक बहुत ही अहम बात आप बताना भूल गए। वो क्या सर? आपकी नौकरी छीनने का कारण था अर्जुन, इसलिए उससे बदला लेने का आपने सोचा। अर्जुन ने मेरी जगह ले ली, ये बात जानकर उससे अनाथ आश्रम के लिए पट्टा चाहिए झूठ बोलकर रिश्वत देकर एनकाउंटर ऑर्डर पर साइन लिए, ये सही ना? नहीं सर ये सब झूठ है सर, किसी उल्लू के पट्टे ने मेरे खिलाफ बयान दिया सर। वो और कोई नहीं आपका ही भाई है। मेरा भाई? पहले भी उसने मुझे सस्पेंड किया है, अब खुद को बचाने के लिए मुझे फंसा तो नहीं रहा है? सर सर उसके बातों में मत आइए, वो भाई नहीं कातिल है, उसी ने ये खून किया है। वो क्यों खून करेंगे? पदवी के लिए सर, मरने वाला मंत्री इस पर हावी था, इसलिए इसने मुझे बुलाकर मुझे पैसे देकर आपका हमशक्ल अर्जुन से साइन लाने को कहा। इसके कहने पर ही मैंने उनको शूट किया है सर, अपना जुर्म मुझ पर थोप रहा है। इसके बातों पर भरोसा मत कीजिए सर। सर राज तो खोल दिया, पता नहीं आप क्या बोल रहे हैं। इसे मेरे हवाले कीजिए सर, मैं इसे सच उगलवा लूंगा। ठीक है आप अपने भाई के चैम्बर में जाके बैठ जाइए। सर जाइए मैं बोलता हूँ, जाइए। मैंने अपने लिए उसे गोली मारा था। तुझे भाई कहते हुए शर्म आ रही है, मुझे ही फंसा दिया। कौन मैं? आया तब से मैं चुपचाप उधर बैठा हूँ, मैंने तुझे फंसाया? सह सारी सच्चाई तूने बता दी, ऐसा उनका कहना है। ऐ सुन, ना तूने फंसाया ना मैंने फंसाया, हम दोनों को एक साथ उसने फंसाया। जस साहब अब बेगुनाह कौन है और असली मुजरिम कौन है ये आप जान गए होंगे। अब मैं एक और सच्चाई आपको बताना चाहूंगा, अभी तक मुझे एक सच्चा कलेक्टर समझकर आप सब शांति बनाए बैठे रहे, उसके लिए धन्यवाद। ये क्या मिस्टर किशन? किशन नहीं अर्जुन। ए जाओ यहां से, भागो यहां से, नहीं तो शूट कर दूंगा। तुम लोग एक्सक्यूज मी प्लीज, एक सच बताकर कलेक्टर को बचाने में यहाँ आया, बचा लिया तो अब मुझे भी तो बचकर जाना होगा ना। उठिए सर। कैट अप, उठिए सर, उठिए। सब पीछे हटो। सर
कोई भूल हो गई तो मुझे माफ कर देना। इट्स ओके, तुम सलामत रहो। ये बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी सर, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अर्जुन को तुम बहुत दिनों से जानते हो? जानता हूं। बोल, नहीं होगा। मैंने कहा ना नहीं होगा। हाँ भाई, मैं किसी और जगह पे हूं, मैंने कहा ना नहीं होगा। बड़े गुस्से में देख रहे हो, क्यों सेटलमेंट करना? बेबी, पार्टी बहुत सीधी लग रही है, तकरार किए बिना सोच समझ कर सौदा कर लो। शट अप! क्यों, क्या हुआ? आईएएस ऑफिसर बनकर तुमने फ्रॉड किया है, सीएम और अफसरों को धोखा दिया है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स की फोर्जरी की। यू हे रुक जाओ, ये क्या बात बदल रहे हो? अपनी जान जोखिम में डालकर मैंने तुम्हारी जान बचाई है, सबसे पहले उसका धन्यवाद करना सीखो। तुमने कलेक्टर होते हुए जो 10 दिन में नहीं किया, वो मैंने 1 दिन में करके तुम्हें अच्छा नाम कमा के दिया। पढ़े लिखे हो, न्याय नहीं जानते? hey! कानून का मजाक उड़ाकर तू न्याय की बात कर रहा है? शर्म नहीं आती? hey! तमीज से पेश आओ, मैं खुद यहाँ नहीं आया। कहाँ है वो लड़की? भैया, मेरे पति की जान बचा लीजिए, जितना पैसा चाहिए दूंगी। आप कलेक्टर बनने का ड्रामा कीजिए, मेरे पैर पकड़कर उसमें एक फ्लैशबैक भी बताकर मुझसे अपना काम निकलवाया, और तुम एहसान फरामोश बनकर यहाँ आए हो। सुनो, यहाँ ज्यादा चिल्लाए तो जिंदा नहीं बचोगे। यू क्रिमिनल, तेरी इतनी हिम्मत की मुझसे जबान लड़ा है? मैं एक कलेक्टर, चाहूं तो तुझे यही मार के दफना सकता हूं। ऑफिसर्स, इसे गिरफ्तार कर लो। दबाई। इन्होंने कुछ बताया? नहीं सर। भाई, उठो, उठो। इन्हें बैठाया किसने? थोपड़ा तो देखो। क्रिमिनल्स को घर में रखे मैं बाहर ढूंढ रहा था। सुनो, ये मेरी जान पहचान के, ऐसा मत सोचना। नो सेंटीमेंट्स, मार मार के इनसे सच चुकलो आप। यस सर। साउथ मद्रासर भिक्खा तो दादा, अनेक बड़ो दादा। क्या हुआ? हाँ, कलेक्टर को मुर्दा नहीं बना पाया, तू ही मुर्दा बनकर खड़ा हो गया। ए कलकत्ता, आवाज करो ना बंधु। पशुपति, तुझ पर भरोसा करके अर्जुन को छोड़ दिया, ये तेरी गलती नहीं है, मेरी गलती है। तेरा रेंज मैं नहीं जानता था, अब मैं जान गया हूं, इसीलिए तेरे लिए मैं एक गिफ्ट लेकर आया हूं। साड़ी। अच्छी लग रही है। फोन लग चेरे। सर, ये सब सामान डेड बॉडी के पास से मिला है सर। सर, इस मोबाइल से आखिरी कॉल पशुपति को किया गया। ये पशुपति कौन है? साउथ जोन का मशहूर दादा सर। इस कत्ल से उसका ताल्लुक है साहब। तो अभी तक उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया? वो कोई आम इंसान नहीं है। तो उसे फौरन गिरफ्तार करो। यस सर। जल्दी। वो कलेक्टर साला हमारे सारे पुराने केस निकाल रहा है, आपको एनकाउंटर करने के लिए बोला है। ये क्या सुन रहा हूँ? नजर आए तो शूट कर देने के लिए कहा है, बाहर निकले तो। खैर नहीं उस्ताद, शूट वो मुझे नहीं करेगा, शूट तो मैं करूंगा कलेक्टर किशन और उस अर्जुन को। किसी भी डील में हम अब तक नहीं फंसे, इस बार मदद करने गए तो फंस गए। पैसा दिए बिना धोखा देते तो चल जाता। अर्जुन, उस कलेक्टर को छोड़ना नहीं चाहिए। <स्थाथ
हाँ बोलो। पुलिस कस्टडी से अर्जुन फरार हो गया सर। थाने से मारपीट करके वो भाग गया सर। शिट। तो अर्जुन का जो भी साथी हो उसे फौरन गिरफ्तार करो। ओके सर। मेक इट फास्ट। ओके सर। साहब जी हमारे अर्जुन को क्यों अरेस्ट किया? उसको छोड़ दीजिए, वो अच्छा आदमी है, उसको छोड़ दीजिए। उसके बदले में मुझे अरेस्ट कीजिए, मुझे मारिए, मुझे पीटिए, उसको छोड़ दीजिए। ए बक लिया, अर्जुन कहाँ है? कहाँ अर्जुन? आप ही तो उसे अरेस्ट करके लाए थे। उसको क्या किया? कहाँ है वो? उसको क्या किया आप लोगों ने, बताइए। ए नौटंकी बनकर, कल रात जो अर्जुन एस्केप हुआ कहाँ गया? क्या एस्केप हो गया? ये तो पहले ही बता रहा था ना साहब। बहुत लेट पिकअप है। आप लोग सूरज को पकड़ सकते हैं लेकिन हमारे अर्जुन को नहीं पकड़ सकते हैं। क्या बन रहा है? मुझे पता है साहब, मैं जानता हूँ। खतरा चला गया। बोल ना। इतना पीटने पर भी नहीं बता रहा है अर्जुन कहाँ है सर। तेरा नाम क्या है? अर्जुन। मजाक सोच रहा है? शूशु। शकल से तो नहीं लगता है। इसे मारने से कोई फायदा नहीं होगा। तो जा, अर्जुन का पता चले तो फौरन मुझे खबर करना। बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। अच्छा हुआ, ये अच्छा आदमी है। यस सर। किशन ने इंक्वायरी के दौरान इसको पीट पीट के मार डाला। कर मुझे सुनो, धंधे में हम दोनों को लड़ने का पूरा पूरा हक है लेकिन किसी तीसरे को टांग अड़ाने का कोई हक नहीं है। तुमने मुझे नीचा दिखाने के लिए कलेक्टर की जान बचाई पर उसने तेरे जिगरी दोस्त की जान ही ले ली। सरकारी मुलाजिम से दोस्ती करने का यही अंजाम होता है, देख लिया? इंक्वायरी के नाम पर इसे लॉकअप में डालकर इसे मार दिया। कलेक्टर को जिंदा नहीं रहना चाहिए। Thank you.
डॉक्टर मसाला को। बता, सच बता, मेरे शूशु को किसने मारा? अर्जुन। शूशु। क्या हो रहा है यहाँ? यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। अर्जुन का खून तो नहीं हुआ? नहीं। अब तसल्ली। लेकिन अब होगा, इसीलिए तुझे बुलाया। पहले तुम्हारा खून करूंगा, फिर उसका खून करूंगा। शोक संदेश, पशुपति का अंतिम संस्कार। कौन करेगा मेरा अंतिम संस्कार? कौन करेगा मेरा अंतिम संस्कार? क्यों बे? मेरे शूशु को मारकर तूने मुझे कलेक्टर से भिड़वा दिया। कितना बड़ा कितू? अर्जुन की वजह से हुआ है। अब तो खुश हो ना किशन? जो मत गुस्सा मत करो बिटुआ। चाल तो देखो। राम राम। भाई मेरे शूशु को इसने मारा ये सोचकर मैं थोड़ी जल्दबाजी कर गया, मुझे माफ कर देना। भूल जा बेटे, तुम भी मेरे बेटे जैसे हो। तुमने कलेक्टर बनके मेरी बहुत मदद की है, मैं तुम्हें शुक्रिया अदा करती हूँ।
कलेक्टर साहब, बस एक मदद चाहिए। बोलो। केवल एक दिन के लिए मैं फिर से कलेक्टर बन जाऊं, क्योंकि थोड़ा कलेक्शन बाकी है। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम अर्जुन सिंह वल्द भीम सिंह ने इकबाल जुर्म किया और कलेक्टर किशन पर लगे झूठे इल्जामों से बरी करने में कानून की मदद की, लिहाजा ये अदालत अर्जुन सिंह को बाइज्जत बरी करती है। अर्जुन सिंह, तुम्हें कुछ बोलना है? हाँ साहब। तो बोलिए।